ترش دما اکھ سوز باس باس لیاقت کے نشانہ صحیح زبوت ترش اگر لے باس آئی کا سن لیا کوسا سن لیا سنے کر کوسا من میرا سی آئی ہوں کرن کہتے کوسا آئی اوے ان میں نشانے سے چوکے آج نشانے باز لیاقت دا ڈینجرس بہو بری اب کراس پٹ کے جائیں خود کر نا کیمرا ہی جانا پے کیپ سن اوڑی اوڑی کسا کاپی رائٹ ہی بھائی جی اچھا میں اوتھر شیئر پہ گئی تو مائیں سنے نیٹورک جمع نیٹورک خبر کی
160 का लक्ष्य उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए। इस्लामिया क्रिकेट क्लब के दो बल्लेबाज बीच मैदान में आपको नजर आएंगे और साथ साथ अगर मैं बात करूं केपी रोड किंग्स की पूरी टीम, अरे यहाँ पे कुछ चर्चा एक दूसरे के साथ वो करते हुए जाने वाली बात रहेगी कि गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज को दिया जाएगा। शुरुआत के शुरू में बिल्कुल मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर रिजवान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आगाज कीजिएगा। शुक्रिया इमू भाई। तो एपीएल के फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग के साथ एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। सलामी जोड़ी की सूरत में नासिर द डेंजरस कुमार और उनके साथ साथ माजिद नदीम मटन टिकबाग के मैदान से। ओवरकास्ट कंडीशंस होती हुई यहां पर, लेकिन हल्की सी हवा इस बीच चलती हुई, एक सुनहरा मौसम और क्रिकेट के लिहाज से एक अच्छा मौसम हम कह सकते हैं। तो 160 का हदफ मिला है यहां पर यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए इस्लामिया क्रिकेट क्लब की टीम को। माजिद नदीम टीम के कैप्टन और नासिर कुमार की जोड़ी इस वक्त मैदान पे। मोहसिन सीपी जो है वो शुरुआत करेंगे बॉलिंग के मोर्चे पर। राजा तनवीर कह रहे हैं कि कहां से ये मुकाबला है जी? मटन के टिकबाग के मैदान से एपीएल का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं अश्मुजी क्रिकेट क्लब स्पोर्ट्स मीडिया पेज पर और उसके साथ साथ जेके स्पोर्ट्स क्रिक पर यह मुकाबला इमुबाई के साथ लगातार आप तक लाइव विजुअल्स के साथ पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा सा वार्म अप होते हुए मोहसिन सीपी और उनकी गेंद का सामना करेंगे नासिर कुमार। नासिर कुमार किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है उन्होंने एपीएल में। अब यह मुकाबला दूसरी इनिंग में दाखिल हो चुका है और दूसरी इनिंग की पहली गेंद करने के लिए तैयार है मोहसिन सीपी कॉम बॉक्स वाले एंड से और उनकी गेंद का सामना करेंगे नासिर कुमार। मोहसिन चले कॉम बॉक्स वाले एंड से, आए गेंद की गेंद करेंगे नासिर कुमार को, शानदार गेंद, क्या लाजवाब गेंद थी, यॉक हो गए थे वहां पर नासिर कुमार और बाल बाल बच गए वहां पर नासिर कुमार। इस गेंद को वो कतई तौर पर समझ नहीं पाए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। बड़ी शानदार गेंद थी मोहसिन सीपी की। मोहसिन सीपी एक बार फिर, मोहसिन सीपी दूर वाले छोर से दौड़ना उन्होंने शुरू किया, गेंद करेंगे नासिर कुमार को, तेज हुए आए गेंद की, अच्छी एक बार फिर यॉर्कर गेंद, क्या लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, जबरदस्त शुरुआत वहां पर मोहसिन सीपी की जानिब से। नासिर कुमार दोनों गेंदों को समझने में नाकाम रहे, बाल बाल बचे, मुश्किल से उन्होंने इन दोनों गेंदों को उखाड़ के बाहर निकाला विकेटों से, अन्यथा विकेट गिर सकती थी नासिर कुमार की। लेकिन नासिर कुमार जिस शैली के बल्लेबाज है, जैसे ही उन्हें गेंद रास आ जाती है फिर वो बहुत तेज तरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं नासिर कुमार। दिलकश स्ट्रोक्स लगाने में माहिर है नासिर कुमार। फिलहाल मोहसिन सीपी ओवर में तीसरी बार गेंद करेंगे नासिर कुमार को, आए गेंद की, इस गेंद को खेले, गेंद हवा में लेकिन गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए और अंपायर का इशारा किया नो बॉल है। तो नासिर कुमार के बल्ले से पहला चौका आता हुआ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, स्लॉट में गेंद और इस गेंद को उन्होंने स्ट्रेट बल्ले से निकाल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए नो बॉल का इशारा। तो फ्री हिट हासिल होती हुई नासिर कुमार को, देखना होगा कि नासिर कुमार इस तोहफे को कैसे कबूल करते हैं, इसे हवाई यात्रा पर भेजते हैं या पैदल ही ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। मोहसिन चले गेंद करेंगे नासिर को, इस गेंद को लपेट के खेलना चाहते थे, डॉट गेंद होती हुई तो इस तोहफे पे ज्यादा फायदा ना उठाते हुए नासिर कुमार। जी हां इमू भाई, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, रन चेज की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल अगर देखा जाए तो वो एक चौका लगा था, हालांकि जान हालत में आई थी नासिर कुमार के साथ साथ उसके उनके चाहने वालों की, वो बिल्कुल
कैच ऑलमोस्ट बिल्कुल बासित अकबर के वो बाएं जाने वो गेंद गिरी थी, फिलहाल वो नो बॉल पे वो सुटोक लगाया था, लेकिन उसके बाद वो मुफ्त की गेंद का लाभ नहीं ले पाए नासिर कुमार। नासिर द डेंजरस कुमार क्यों कहा जाता है वो पुख्ता सबूत आज देना होगा। मोहसिन चले, ये गेंद खोद के निकाला वो कवर के खिलाड़ी के ऊपर से, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। लगातार वो ब्लॉक होल में गेंदबाजी, नई गेंद के साथ मोहसिन सैफी, लेकिन नासिर कुमार मात्र एक भाषा जानते हैं, या गेंद बाहर या खुद बाहर। फिलहाल अब तक इस ओवर में दो गेंद को बाहर पहुंचा चुके हैं, लेकिन वो हवाई दर्शन कब गेंद के करेंगे नासिर कुमार ये आने वाला समय बताएगा। नासिर कुमार की विकेट अगर आपने शुरुआत में चटकाई तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस मुकाबले में बिल्कुल आपका दबदबा फिर हो सकता है। क्या मोहसिन सैफी वो विकेट निकाल के देंगे अपनी टीम को? फिलहाल चार गेंदों में 9 रन वो खर्च कर चुके हैं। इस बार भागने का प्रयास किया था, पड़ने के बाद उछाल उतना मिला नहीं, बिल्कुल गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, आधे पिच पे गेंद गिरी थी, और ऐसा बल्लेबाज आप उम्मीद करोगे कि गेंद आपके सीने के ऊपर आएगी, लेकिन वो गेंद पड़ने के बाद नीचे रही और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे मोहसिन सैफी मुड़ रहे। अगर मैं नासिर कुमार की बात करूं, उसके लिए जो फील्डिंग आपने सजा के रखी है, जो दो खिलाड़ी 30 गज धारी के बाहर रहने वाले हैं, डीप स्कैनलेग, और उसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करूं यहां पे शायद वो थर्ड मैन का खिलाड़ी, जी हां डीप थर्ड मैन पे खिलाड़ी नजर आ रहा है। और मोहसिन सैफी अब तक 5 गेंदे 104 गेंदे, हल्के स्कोर में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है जी, हमारे स्कोरर जो है वो अपडेट स्कोर पे नहीं दे रहे। और वो इस बार पड़ने के बाद अंदर गेंद को लाया, लेकिन इस बार रक्षा मतौर से गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंदबाज के दाएं जानिब निकाला है, जब तक पीछे वो विकास गेंद तक आते और अब बासित अकबर गेंद को उठाकर थ्रो करते, वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, तो सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 10-9 एक ओवर के बाद 10। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान भाई जो है स्कोर से थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था और 10 रन एक ओवर के बाद। अगर मैं बात करूं यहाँ से रिजवान मेरे सहयोगी कमेंटर साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यावर जो आज स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, अश्मी जी के क्लब के वो चीफ एडिटर, और उसके साथ साथ जीके क्रिक जोन यानी आपका सहयोगी भाई इमू भाई, और वे आप तक ये मंजर जो है पहुंचाने में लगे हुए। अगर मैं आज पहली इनिंग की बात करूं तो मुकाबला 20 ओवर में 159 बनाने में कामयाब रही थी, और अनुज कुमार के साथ साथ बासित अकबर और अंत में जो विकास ने जो विकास किया था बल्ले से, चलो उसकी मदद से 159 बनाने में कामयाब, और वही 159 डिफेंड करने के लिए उतरी है। लेकिन यहाँ से पहले ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 10 बिना किसी विकेट के नुकसान के। और नासिर कुमार की बात की जाए तो उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया है, और वो जो स्कोरर से हमारी गलती हुई है जी, बिल्कुल 4 रन हमारे स्कोरर पीछे चल रहे हैं, तो रिज्यू आप कैरी कीजिएगा, मैं वो जाने की कोशिश करूंगा। तो 10 बिना किसी क्षति के, और नासिर कुमार इस ट्रैक पे रहेंगे। नासिर कुमार और माजिद नदीम की जोड़ी इस वक्त मैदान में, अब धूप खिलती हुई मटन के इस खूबसूरत मैदान में, और दर्शक धीरे धीरे साये की तरफ भागते हुए, गर्मी का मौसम और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा। कीपर बॉलर का नाम जरूर जानना चाहेंगे। कीपर बॉलर असरार बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, बहुत एक नौजवान खिलाड़ी है असरार, अभी हाल में बहुत अच्छी बॉलिंग करके आए हैं असरार, एक नौजवान खिलाड़ी। यह गेंद मार खेले नासिर कुमार ने, इस गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। असरार बहुत अच्छी बॉलिंग किया करते हैं, लेकिन यह गेंद स्लॉट में और नासिर कुमार ने इसे धकेल दिया लेग साइड की जानिब, गेंद तेज रफ्तारी के साथ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। नासिर कुमार ऑन फायर। मेरी बिनती रहेगी उन तमाम व्यूअर्स से जो हमें देख रहे हैं कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक मुकाबले का अपने घरों में बैठ के आनंद ले सके, और साथ 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 कमेंट भी कीजिएगा। एक बार फिर असरार, 16 साल की उम्र है असरार की, असरार अहमद कुलगाम से इनका ताल्लुक है। असरार चले, गेंद करेंगे नासिर कुमार को, आगे आके इस गेंद को लपेट के खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, गेंद गई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। असरार अहमद को प्रेज देते हुए उनके
गांव वाले और उनके साथ साथ उनके चाचा और उनके फादर वो भी यहां मौजूद है। असरार एक बार फिर दूर वाले छोर से आफाक खान आफाक हमें देख रहे हैं अनायत फार्मेसी से यारीपुरा से, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। ये गेंद और इस गेंद को पुल करना चाहते थे नासिर कुमार, गेंद रुक कर आई उनके बल्ले पे और सही तरह से वो स्ट्रोक खेल नहीं पाए, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की जानिब बिना किसी रन के। एक बार फिर असरार दूर वाले छोर से उनकी गेंद का सामना करेंगे नासिर कुमार। माजिद नदीम ने अब तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है, नौ की नौ गेंदे लगातार नासिर कुमार ने खेली है, 14 बिना किसी क्षति के, 160 का हदप मिला है यहां पर इस्लामिया क्रिकेट क्लब को यह मुकाबला और चैंपियन बनने का। असरार दूर वाले छोर से गेंद करेंगे नासिर को, आई गेंद की इस गेंद को क्या बेश दिलचस्प स्ट्रोक खेले हैं नासिर कुमार, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच से 6 रन के लिए, गेंद सीधे तारामंडल में 6 रन के लिए। असरार की एक खराब गेंद और उस गेंद को आगे बढ़कर स्ट्रोक खेले हैं नासिर कुमार 6 रन के लिए। नासिर कुमार जैसा मेरे साथी कमेंटेटर इमुबा ने कहा, एक ही भाषा बोलते हैं, नासिर कुमार ऑन फायर। नासिर कुमार क्या बैटिंग कर रहे हैं यहां पर। राजा तनवीर दाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। एक बार फिर असरार आप राउंड स्टंप्स गेंद करेंगे नासिर कुमार को, आए गेंद की और नासिर ने क्या स्ट्रोक खेला है इस गेंद पर फिर, और यह गेंद एक बार फिर चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक नासिर कुमार के बल्ले से, नासिर कुमार इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं अपने बल्ले से और दाद देते हुए उनके चाहने वाले उनको। नासिर कुमार बेहद दिलकश स्ट्रोक खेलते हुए दर्शाते हुए कि वो किस शैली के खिलाड़ी हैं नासिर कुमार। नासिर कुमार एक बार फिर अपने ग्लोव्स को ठीक करते हुए असरार को वहां पर टीम के कैप्टन समझाते हुए, जैसा मैंने पहले कहा कि असरार एक नौजवान खिलाड़ी 16 साल की उम्र असरार की, कुलगाम के एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक है और वो एक लाजवाब स्पीड स्टार। राउंड द स्टंप्स एक बार फिर गेंद करेंगे नासिर कुमार को, आए गेंद की, नासिर ने इसे खेलना चाहा पूरी तरह से बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेकिन कथित तौर पर बीट हो गए और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। तो 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 26 है स्कोर बिना किसी क्षति के इस्लामिया क्रिकेट क्लब का। केपी रोड किंग्स की टीम जब 2 ओवर्स वहां खत्म हुए थे तो उनका स्कोर 3 था और उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। एक बार फिर मोहसिन सीपी कॉम बॉक्स वाले एंड से गेंद करेंगे और उनकी गेंद का सामना करेंगे पहली बार टीम के कैप्टन माजिद नदीम। माजिद नदीम बहुत देर से नॉन स्ट्राइकर पर खड़े थे और मनोरंजन कर ले रहे थे वो नासिर कुमार के दिलकश स्ट्रोक्स का। शुक्रिया रिजवान भाई आपका, करना चाहेंगे। फिलहाल 2 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, 2 के बाद 26 और नासिर कुमार एक बार फिर वो जो आक्रामक रवैया जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं आज एक बार फिर टिकबाग के इस खूबसूरत मैदान से। 13 गेंद पे 25 बनाकर नाबाद, माजिद पहली मरतबा सामना करेंगे इस इनिंग में। इस बार वो याद कराने का प्रयास किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था जरूर माजिद ने, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। उन्हें डार्ट गेंद के साथ नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे नासिर कुमार का, देखो क्या नासिर कुमार के साथ जो भी बल्लेबाज आता है बल्लेबाजी करने के लिए तो एक प्लस पॉइंट उस बल्लेबाज का ये रहता है कि बिल्कुल आपको केवल वो गेंद को आने देना है, वो सिंगल पे आपको फोकस करना है क्योंकि वो जो पावर प्ले में रन चाहिए टीम को उसके लिए आपके पास वो नासिर द डेंजरस कुमार मौजूद है और वो बखूबी जानते हैं या गेंदबाज या खुद बार। फिलहाल गेंद को तो लगातार बार पहुंचा रहे हैं लेकिन माजिद तू डाल डाल में पास पास, जी हां भले ये कारपेट के सारे गेंद तो कवर बाउंड्री के बाहर भेज रहा है लेकिन 4 रन माजिद के नाम और चौके के साथ ये खाता खोला है माजिद ने और ये असर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तरबूजा तरबूजे को देखकर रंग
पकड़ता है तो सेम उसी प्रकार के नजारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नासिर कुमार के साथ आप बल्लेबाजी करोगे तो आपके मन में भी वो लड्डू फूटेंगे कि मैं भी गेंद को वो हवाई दर्शन कराऊंगा, लेकिन वो चार रन अपने नाम, चौकी के साथ टीम का स्कोर 30 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 160 का पीछा कर रही है, लेकिन क्लीन बोल्ड क्या इस बार, यू मिस आई हिट, यू मिस एंड आई एम गोइंग टू हिट द विकेट्स। जी हाँ, यहाँ पे मोहसिन सिंह भी दर्शाते हुए हैं, वो पीछे जाकर कवर के ऊपर खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले पे लगी नहीं और गेंद सिस्टम उखाड़ के चली गई है। पहला झटका इस्लाम को लगता हुआ मोहसिन के नाम में पहली सफलता, टीम का स्कोर 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है, 160 का पीछा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से इस्लामिया क्रिकेट क्लब, हालांकि वो नासिर कुमार का एक हालांकि आसान सा तो कैच नहीं था, जा सकता है शॉर्ट मिड विकेट पे जो खिलाड़ी तैनात थे वो तेजी से गेंद गई थी, वो डिप होती हुई नीचे गेंद जा रही थी, लेकिन अगर इस प्रकार के मुकाबले आप खेल रहे हो, यानी फाइनल का मुकाबला और वो भी नासिर कुमार की कैच अगर आपके विरुद्ध आती है तो कहीं ना कहीं वो जान हलक में दागनी होगी आपको, और तब जाके वो कैच जो है वो आपको मुकम्मल करना था, लेकिन वहां पे क्षेत्र रक्षण वो कैच नासिर कुमार का छोड़े और नासिर कुमार फिर वो आग उगलता हुआ उसका बल्ला आपको नजर आया, वो 2 छक्के लगाए थे। अगर मैं बात करूं युवा गेंदबाज 16 साल के गेंदबाज नाम में जरूर जानना चाहूंगा जो असरार मलिक, बिल्कुल उसके विरुद्ध वो 2 गगनचुम्बी छक्के नासिर कुमार के ने अपने नाम किए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो विकेट चाहिए थी शुरुआत के क्षणों में जो विकेट आपको दरकार थी, फिलहाल वो विकेट तो फिलहाल मिली नहीं आपको, माजिद को आपने डगआउट का रास्ता दिखाया, लेकिन यहाँ से आप नए बल्लेबाज किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन किया गया है ये जानने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल नासिर कुमार एक एंड से बने हुए 13 गेंदों पे 25 2 छक्के और 2 चौके उस बल्लेबाज में अब तक शामिल, और आदिल वानी आदिल मिडोरा के नाम से वो जाने जाते हैं, डोडू रेंजर्स का एक प्रमुख हथियार, और वे आपको बिल्कुल नजर आएंगे। नासिर कुमार का साथ देने के लिए वो बीच मैदान में आ चुके हैं। 160 का लक्ष्य मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं जो देर से जीके क्रिकेट जोन या अश्विन जी क्रिकेट क्लब पे बिल्कुल मुकाबला देखने के लिए आए हैं। जब वो टॉस हुआ था तो टॉस इस्लामिया के कप्तान ने जीतकर ये फैसला किया था कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, और गेंदबाजी आज कमाल की रही, और मात्र 159 के स्कोर पे बिल्कुल यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया टीम को, और जवाब में क्या बेहतरीन शुरुआत ये कहा जाएगी, हालांकि 30 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे, नासिर कुमार 25 का योगदान और आउट हुए तो होने वाले बल्लेबाज माजिद ने 4 का योगदान दिया। फाइनल का ये मुकाबला अनंतनाग प्रीमियर लीग 2024 एशियन फर्स्ट का ये फाइनल, और वीनो बिल्कुल आपको पता ही होगा मटन टिकबा का ये इतिहासी मैदान क्यों कहता हूं मैं इस मैदान को, इस मैदान से काफी इमोशन जुड़ी हुई है लोगों के, एक्स क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं या यू कह जाए तो डिस्ट्रिक्ट रनर्स के चंद रांझी क्रिकेटर्स है, बिल्कुल उनकी इमोशन इस मैदान से जुड़ी हुई है। फिलहाल मोहसिन सिद्दीकी की गेंद और वो आगे आकर गेंद को कलाई के सारे निकालने की कोशिश कीजिए, जरूर शॉट मिड विकेट तैनात था उसी स्ट्रोक के लिए, उन्होंने गेंद को तेज दायरे के अंदर रोका, रनों में कोई इजाफा नहीं और स्कोर अभी भी 30 है खिलाड़ी के नुकसान पे। आदिल वानी की अगर बात की जाए तो एक मंजे हुए बल्लेबाज, और किस प्रकार की वो बल्लेबाजी, निगाह आदिल वानी के साथ साथ नासिर कुमार पे रहने वाली है, लेकिन यहां से अगर इस जोड़ी को आप जल्दी से तोड़ने में कामयाब रहोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पे ले आपकी चीजें लिए आपके लिए आसान रहेगी। फिलहाल इस बार वो उछाल लेती हुई गेंद गैर के अंत में कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, ये दर्शाता है कि हल्के बल्लेबाज अभी भी डगआउट से आया बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला है वो आंखों के नीचे इस गेंद को आने दिया, अंत में तिरछे बल्ले से गेंद को थर्ड मैन के जाने में गैर किया, ऐसा लग रहा है कि डगआउट से सट होके आया है बल्लेबाज, ये इस बल्लेबाज की काबिलियत है, बिल्कुल ये सिंगल डबल पे निर्भर रहते हैं शुरुआत क्षणों में, और जब इसकी आंखें जम जाती है तो बड़े स्ट्रोक लगाने से कतराते नहीं है। और दूसरे और बात की जाए तो नासिर कुमार का खतरा अभी भी मंडराता हुआ, और नासिर कुमार के चाहने वाले काफी ज्यादा लोकप्रिय ये खिलाड़ी, अगर मैं नासिर कुमार की बात करूं और 2024 ये सीजन अब तक नासिर कुमार के नाम रहा है, बिल्कुल अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जेके आप वो क्रिक हीरोज निकाल के देखिए और 2024 में इस खिलाड़ी के आप शतक देखिए, इस खिलाड़ी के आप अर्धशतक देखिए, इस खिलाड़ी के आप सबसे ज्यादा छक्के देखिए वहां पे, और तब जाके आपको बिल्कुल मेरी बात पे इत्मीनान होगा, और वो बल्लेबाज आप सामना करेंगे मोहसिन सिंह का। इस बार रक्षा मतौर से पैड और बैट को साथ मिलाते हुए
हालांकि उस सदियों के बाद मैंने नासिर कुमार को इस प्रकार से बल स्ट्रोक लेते हुए देखा है। अंततः वो मात्र एक ही भाषा जानते हैं, या गेंद बाहर या खुद बाहर, लेकिन जिस प्रकार से आज विकेट थोड़ी बिहेव कर रही है, शायद वो वर्षा के कारण जो वर्षा हुई थी, और संभवतः ये अनुमान लगाए गए थे कि फाइनल में हमें वो 200 या 200 प्लस रन देखने को मिलेंगे। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो जो 160 का पीछा कर रही है टीम, और उसके जवाब में फिलहाल एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। क्यों रिजवान जी? हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वर्षा के कारण जो पिच है वो स्लो खेल रही है, तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण टॉस जीत के माजिद ने जो पहले टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया, वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन एक प्रेशर वाला मुकाबला है, 160 में भी को कम नहीं नापना चाहिए यहाँ पे इस्लामिया क्रिकेट क्लब की टीम को, क्योंकि फाइनल वाला मुकाबला और कांटे का मुकाबला होने वाला है। लोग चाहते हैं कि करीबी मुकाबला हो, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस मुकाबले को दिलचस्पी के साथ वॉच करें। लेकिन फिलहाल नासिर कुमार और उनके साथ साथ आदिल वानी इस वक्त मैदान में मौजूद है। माजिद नदीम शुरुआती विकेट के तौर पर आउट हुए थे, 4 रन बनाकर वो आउट हुए। माजिद नदीम आज उस टच में नहीं लग रहे थे जिस शैली के वो खिलाड़ी है। बॉलर का नाम हम जरूरी जानना चाहेंगे, लेकिन इस बीच थोड़ा सा सलाह मशवरा करते हुए वहां पे टीम के कैप्टन और नासिर कुमार वहां पर अंपायर से बातचीत करते हुए, नासिर कुमार और उनके साथ साथ आदिल वानी क्रीज पे मौजूद इस वक्त। 31 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। यहां पर अच्छा माहौल क्रिकेट के लिहाज से, जोश और वलवला लोगों में मौजूद। उसी जोश के साथ बॉलिंग पे अब बॉलर तैयार है और उनकी गेंद का सामना करेंगे आदिल वानी। फील्डिंग को सजाते हुए विकेट कीपर अपने बाएं हाथ से इशारा करते हुए फील्डर को कि थोड़ा स्क्वायर हो जाइए। शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए फील्ड सजाई जा रही है, शायद शॉर्ट पिच बॉलिंग से डराना धमकाना चाहते हैं यहां पर आदिल वानी को। एक बार फिर आए गेंद की, और इस गेंद को काट कर दिया है उस ओर, कोई बिल्डर नहीं है, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहद दिलकश स्ट्रोक खेले हैं वहां पे आदिल वानी, जैसे ही रेखा की गेंद थोड़ा सा रूम दिया है बॉलर ने, और उस गेंद को उन्होंने टैप बर कर दिया और गेंद तेज रफ्तारी के साथ चली गई है पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 35 एक विकेट के नुकसान पर इस्लामिया क्रिकेट क्लब और केपी रोड किंग्स के दरमियान यह फाइनल मुकाबला, एपीएल का फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है। 160 का ताकुब कर रही है यहां पर इस्लामिया क्रिकेट क्लब की टीम। देखने वाला पल होगा यह गेंद, और इस गेंद को कथित तौर पर समझ नहीं पाए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंद को अधूरे मन से खेलना चाहते थे, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से निकलती हुई सीधे सीमा रेखा, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। थोड़ा सा सलाह मशवरा वहां पर अंपायर और टीम के कैप्टन के दरमियान। केपी रोड किंग्स के कैप्टन किसी चीज से शायद खुश नहीं है। अब सब कुछ ठीक होता हुआ और एक बार फिर अपने फील्डिंग स्पॉट पे पहुंचते हुए टीम के कैप्टन और बॉलर एक बार फिर आकिब मंजूर, आकिब हब्बा के नाम से जाने जाते हैं। दूर वाले छोर से गेंद करेंगे आदिल को, आए गेंद की शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को आगे आके धकेल दिया गली की जाने, वहां पे टीम के कैप्टन ने गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। एक साझेदारी अपनाने की कोशिश में दोनों, नासिर कुमार और उनके साथ साथ आदिल वानी तैयार हो रहे हैं। नासिर वानी एक बार फिर आके भाई गेंद करेंगे आदिल को, इस गेंद को क्या बेहद स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक खेले हैं, कारपेट के सहारे गेंद गई लॉन्ग ऑफ पर, एक रन बनाने का मौका था, एक रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने। आकिब
एक बार फिर अब गेंद करेंगे नासिर कुमार को। नासिर कुमार इस वक्त 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और दो लाजवाब छक्के उन्होंने जड़े हैं असरार की बॉलिंग पर। आके फील्ड को सजाते हुए एक बार फिर और उनकी गेंद का सामना करेंगे अब नासिर कुमार। नासिर कुमार इज ऑन 25। आके बाय गेंद करेंगे नासिर को। नासिर ने इसे दिफाई अंदाज के साथ खेला और आंखों आंखों में इशारा करते हुए वहां पर मुश्किल हो सकती थी अगर यह स्टंप्स पे लगती तो नासिर कुमार बाल बाल बचे, जान हलक में आ गई थी और लगता है कि थोड़े से चोटिल हो गए वहां पे नासिर कुमार, लेकिन थोड़े से लंगड़ाते हुए वहां पर। इस बीच एक रन बनाने का मौका था, एक रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने और अब बीच मैदान दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए। मजीद कमेंट्री के लिए चलते हैं ईमू भाई के पास। शुक्रिया रिजु भाई, आपका करना चाहेंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए तो धूप भी काफी ज्यादा यहाँ पे अब खिली खिली सी नजर आ रही है और धूप के कारण वो दिक्कतें लगातार हमें भी उठानी पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन खैर बिल्कुल ये हमारा काम है और हम चाहते हैं कि आसान से आसान तरीके से ये कवरेज जो है आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और फिलहाल गेम की ओर दोबारा से रुख करना चाहेंगे। आकिब अब इस ओवर में अंतिम बार गेंद करेंगे दानिया के बल्लेबाज आदिल वानी को। हालांकि गेंद बल्ले का अंदरूनी भाग लगने के साथ वो पैड पे टकराई थी और संभवतः बिल्कुल यहाँ पे वो जोखिम लग सकता था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आदिल वानी के साथ साथ नासिर कुमार की जोड़ी सुरक्षित बीच मैदान में बनी हुई है इस्लामिया क्रिकेट क्लब के लिए। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चार ओवर के बाद 37 बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे 123 चाहिए अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए बचे ओवर्स में। और वो 9 विकेट सभी भी आपके हाथ में है और बल्लेबाजी में वो गहराई है। अगर मैं बात करूं यहां पे इस्लामिक क्रिकेट क्लब की और अगर बात की जाए यहां से फील्डिंग वाली टीम की यानी केपी रोड किंग्स की अगर बात की जाए तो एक ही जरिया है इस मुकाबले में बिल्कुल वो अपनी पकड़ बनाए रखने और साथ साथ अगर ये मुकाबला आप जीतना चाहते हो तो एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है जिसके कारण आप ये मुकाबला जीत सकते हो, वो है रेगुलर इंटरवल्स में आपको विकेट से चटकाने होंगे। और यहाँ पे ये देखने वाली बात रहेगी नासिर कुमार की बमूली विकेट। और अगर नासिर कुमार अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2-3 ओवर और खेलने खेलते खेल गए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वन साइडेड ये अफेयर फिर बाद में लग सकता है। फिलहाल मोहसिन से गेंदबाजी लगातार करवाएंगे, भी अपने कोटी का तीसरा करेंगे, अब तक 2 ओवर में 15 खर्च किया है और शायद वो तीसरा ओवर के पीछे जो कारण है मेरे ख्याल से वो नासिर कुमार बिल्कुल रहने वाले हैं। वो विकेट चाहते हैं बेदर्दी से, वो फील्डिंग वाली टीम नासिर कुमार की वो बमूली विकेट हासिल करना चाहती है, शायद इसके कारण वो तीसरा ओवर सौंपा है यहाँ पे अपने प्रमुख गेंदबाज मोहसिन सिद्दीकी को। इस बार मारने की कोशिश की थी वो कड़े कड़े बिल्कुल आठ के बाहर ही गेंद थी, वो खींच कर इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से वो मिड विकेट तारामंडल के बाहर पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई पक नहीं और गेंद जो है वो विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। टीम का स्कोर अभी भी 37 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। नए ओवर की शुरुआत डार्ट गेंद के साथ हुई है और बात की जाए यहाँ पे नासिर कुमार अगर सर्वाधिक स्कोर देखा जाए तो अपना निजी स्कोर अगर देखा जाए नासिर कुमार का 26 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का सामना किया है, वो 2 गगन चुनी छक्के एक मरतबा फिर इस ओवर में अंतिम बार कदमों का इस्तेमाल और आसान सा अवसर जिस कार्य के लिए आपको लाया था वो कार्य आपने अपने टीम को करके दिया है। नासिर केंद्र कुमार वापस दगाउट की ओर और ये सबसे बेहतरीन पल अगर मैं केपी रोड किंग्स की बात करूं या उनके खेमे की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो हंसने का मौका, वो झूमने का मौका, वो नाचने का मौका इस बार मोहसिन सिद्दीकी ने बिल्कुल प्रारंभ किया है। और ये विकेट की मैं बात कर रहा था क्योंकि इसके कारण वो लगातार वो तीसरा ओवर बिल्कुल कप्तान ने दिया मोहसिन सिद्दीकी को और जिसके लिए लाया वो काम जो यहाँ पे मुकम्मल किया मोहसिन सिद्दीकी ने। ये एक बमूली विकेट गेट फिश नासिर द डेंजरस कुमार वापस डगआउट की ओर जाते हुए और एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। और मोहसिन सिद्दीकी के क्या कहने, लाजवाब गेंदबाजी, जितनी भी तारीफें की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। वो शुरुआत से बिल्कुल अपना आज वो 110% देते हुए नजर आए। वो शुरुआत में यार कर गेंद का प्रयास किया था, उमूमन मोहसिन सिद्दीकी वो स्विंग के लिए जाने जाते हैं, कभी गेंद को अंदर लाते हैं तो कभी गेंद को बाहर निकालते हैं, लेकिन इस बार उल्टा करने की कोशिश, वो शुरुआत के क्षणों से ही वो लगातार वो ब्लैक होल में गेंदबाजी की नासिर कुमार के विरुद्ध, लेकिन अंततः वो सफलता जो है हाथ लगी है यहां पे।
हाथ लगी है यहाँ पे मोहसिन सिपी के। और ये दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ 37 के स्कोर पे, यानी जो पारी की शुरुआत करने के लिए जो जोड़ी भेजी थी इस्लामिया क्रिकेट क्लब की जानिब से, वो जोड़ी बिल्कुल अब डगआउट से मुकाबले को एंजॉय करेंगी। और क्या ये कहानी में ट्विस्ट है, क्या ये कहानी में ट्विस्ट है? मैं शायद इससे पहले, इस ओवर से पहले मैं चर्चा कर रहा था, अगर आपको इस गेम में बने रहना है कश्मीर, अगर मैं कीपर किंग्स की बात करूं तो आपको विकेट रेगुलर इंटरवल में लेने होंगे। फिलहाल नासिर कुमार की विकेट आपने हासिल की है, और यहां से आप किस प्रकार की गेंदबाजी करोगे नए बल्लेबाज के लिए? उबैद कुरैशी आया बल्लेबाजी करने के लिए, वो बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो ऐसे परिस्थिति पे बिल्कुल अपना बल्ला जो है वो जलवा दिखाना चाहते हैं। इस बार ओ आते ही वो बेहतरीन प्रहार, लेकिन उतनी ही कमाल की फील्डिंग, लाजवाब बेमिसाल गजब, और क्या लाजवाब फील्डिंग वहां पे, यकीनन अपनी टीम के लिए चार रन बचाने में कामयाब। मैं क्षेत्रक्षण का नाम और शिबिल लेफ्टी, वो भाई जाने वैसा लगा कि हवा में कोई परिंदा उड़ रहा है, और जिस प्रकार से वो गेंद को लपका है, यकीनन वो कवर के कवर्स के जाने पे स्ट्रोक खेला था, वो चार रन की छाप इस स्ट्रोक पे यहाँ पे हमारे स्कोर ने डाली थी, लेकिन किसको पता था कि शिबिल लेफ्टी आगे है, वो बाधा पड़ेंगे इस स्ट्रोक में। लेकिन फिलहाल एक अच्छे स्ट्रोक में रन मिला नहीं यहाँ पे उबैद कुरैशी को। एक बार फिर मोहसिन सिपी चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए, इस बार ब्लॉक होल में एक बार फिर वो गेंद, और टैप किया था मिराट के जानिब से, विकास वहां पे मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया, और रन लेने के लिए आगे आना चाहते थे उबैद कुरैशी, मना किया आदिल वानी ने, और अब जाके बिल्कुल पास बुलाया अपने आदिल वानी ने, अगर मैं बात करूं यहाँ से उबैद कुरैशी को, और कुछ बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ, शायद यही बताया होगा अनुमान यहाँ से यही लगाया जाएगा कि भाई साहब 160 बनाने हैं, ऑलरेडी वी हैव डन 37 ऑन बोर्ड, तो ज्यादा वो चिंता की कारण नहीं है, बिल्कुल ज्यादा वो रिस्क मत लीजिएगा, आप आराम से खेलिए, ये सिंगल सिंगल का गेम है, और बाकी मुझ पे छोड़िए, वो बड़े सट्टों की जब दरकार रहेगी। लेकिन इस बार वो पीछे हटकर गेंद को वो गैर करने का प्रयास किया था, वो दोहरे मन में चले गए थे इस बार उबैद कुरैशी, लेकिन अंत में गेंद बल्ले को चकाती हुई सीधे विकेट के भर के दस्तानों में, लाजवाब गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, 160 लक्ष्य को अगर आपको डिफेंड करना है तो इस प्रकार की गेंदबाजी आपको करनी होगी, और दूसरे एंड से वो साथ आपको मिलना चाहिए गेंदबाजों से। क्या यहां से दूसरे एंड से गेंदबाजी आपको इस प्रकार की नजर आएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि वो जो एक ओवर आपने करवाया था वो 16 रन आए थे, अगर मैं बात करूं उस दूसरे ओवर में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वो परिवर्तन गेंदबाजी ने किया था, एक एंड से मौसम सिंह को लगातार कंटिन्यू करवा रहे हैं कप्तान अपने, ओ नो बॉल का इशारा, वो तीखी बाउंसर बाउंसर डाली थी बिल्कुल जरूर, लेकिन कंट्रोल में थे इस बार उबैद कुरैशी, गेंद को रक्षा में तौर से खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं, और स्कोर अभी भी 38 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। जो शुरुआत हुई थी दो ओवर में ऑलमोस्ट 26 रन बनाए थे, और उसके बाद देखिए क्या वापसी की है गेंदबाजों ने, न केवल रनों पे अंकुश, साथ साथ वो जो विकेट चटकाने की दरकार थी वो विकेट चटकाने में कामयाब यहाँ पे मोहसिन सिपी, इकलौते वो गेंदबाज जिसके गेंदबाजी में वो धार नजर आई, वो खौफ नजर आया आज एक बार फिर इस ओवर में, ओ गजब की है बाउंसर। एज ए गेंदबाज जब आपके पास ये तीखी बाउंसर का विकल्प है, तो कहीं ना कहीं जब उस बाउंसर का आप अच्छा इस्तेमाल करने के मार्ग रखते हो, तो कहीं ना कहीं T20 में उमूमन हर समय पे आप कामयाब गेंदबाज रहते हो, क्यों रिजवान? जी हाँ बिल्कुल सही, दुरुस्त आपका मानना कि एक लाजवाब मरहले में ये मुकाबला दाखिल हो चुका है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तमाम लोगों के लिए, एक अच्छा काम है ये, साउथ कश्मीर बुलेट डोनर्स की तरफ से, वॉलंटियर्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि ठीक 9 अगस्त 2024 को जियारत पार्क कैमू कुलगाम में बुलेट डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स ये चाहते हैं जो बुलेट डोनेट करना चाहते हैं और कीमती जाने बचाना चाहते हैं, जिन जरूरतमंदों को खून की जरूरत है वो इनसे राबता भी कर सकते हैं, और अगर वॉलंटियरली कोई खून देना चाहता है तो ठीक 9 अगस्त दिन के सुबह साढ़े दस बजे 9 अगस्त जियारत पार्क कैमू कुलगाम पे में वो पहुंच जाए, और एक सवाब का काम है बिल्कुल वहां पे बुलेट डोनेट करना है। इस बीच एक बार फिर दूर वाले छोर से
अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और इस गेंद को टैप पर कर दिया पॉइंट की जानिब बिना किसी रन के। 38 दो विकेट के नुकसान पर उबैद कुरैशी और आदिल उवानी इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त डगआउट में आराम फरमा रहे हैं, नासिर कुमार और उनके साथ साथ माजिद नदीम। अब यह मुकाबला दिलचस्पी की ओर बढ़ता हुआ एक बार फिर आकिब चले दूर वाले छोर से गेंद करेंगे उबैद को और उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। दिल का स्ट्रोक कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेले थे वहां पर आदिल और यह गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। धीरे धीरे स्कोर कार्ड में इजाफा करते हुए आदिल वानी और उबैद कुरैशी। आदिल वानी इस वक्त स्ट्राइक पर है और उबैद कुरैशी नॉन स्ट्राइक रन पर खड़े हुए हैं। आकिब एक बार फिर दूर वाले छोर से गेंद करेंगे आदिल को, आदिल ने इस गेंद को निकाल दिया पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से चार रन के लिए। बेहद दिलकश स्ट्रोक, क्या लाजवाब टाइमिंग के साथ ये स्ट्रोक खेले हैं और गैप का सही इस्तेमाल करते हुए आदिल वानी अपनी टीम और अपने आप से प्रेशर को कम करते हुए इन दो स्ट्रोक्स की वजह से प्रेशर को कम करते हुए आदिल वानी। केपी रोड किंग्स वापसी करना चाहेगी एक बार फिर नासिर कुमार की विकेट जो मिली थी वहां पर मोहसिन सीपी को, जिसके लिए उनको तीसरे ओवर के लिए बुलाया गया था, उसमें वो कामयाब हुए लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट हासिल करनी होगी अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है। ये गेंद आदिल को एक बार फिर, आदिल ने इसे खेला फिर पैक ऑफसाइड की तरफ वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए बिना किसी रन के। अगर ऑफसाइड की फील्डिंग का जायजा लिया जाए स्लिप गली पॉइंट बैकफुट पॉइंट कवर और मिड ऑफ तो स्ट्रांग ऑफसाइड की फील्डिंग के साथ बॉलिंग कर रहे हैं आकिब मंजूर और उनकी गेंद का सामना करेंगे आदिल। आकिब एक बार फिर आए गेंद की, यह गेंद लेग साइड से बाहर, गेंद शायद पैर से टकराई है और अच्छी कीपिंग करते हुए वहां पर विकेट कीपर बिना किसी रन के। 46 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स, सिक्स्थ ओवर इन प्रोग्रेस। एक बार फिर आकिब मंजूर गेंद करेंगे आदिल को, आए गेंद की शॉर्ट पिच गेंद, गेंद हवा में लेकिन दो फील्डर के बीच में से निकलती हुई गली और पॉइंट के बीच में से चली गई सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। आस्किंग फॉर द पुनिशमेंट वाली गेंद और इस गेंद को सही नसीहत देते हुए आदिल वानी इस गेंद को धकेल दिया उन्होंने सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। तो 50 रन पूरे होते हुए यहां पर इस्लामिया क्रिकेट क्लब के 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजीद कमेंट्री के लिए चलते हैं इमू भाई के पास। पावर प्ले का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 50। यानी मैं अपने श्रोताओं को बता झाला कि वो वर्षा का कोई अब वो कारण नजर नहीं आ रहा है क्योंकि धूप जो है खिली खिली सी नजर आएगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलो एक जरूर अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं, अगर वर्षा के कारण ये खेल जो है उसमें कुछ बाधा आएगा तो वो जो दूसरे इनिंग के 6 ओवर जो रखे गए थे एज एन एवरेज के तौर पे, तो आप जाके मेरे ख्याल से वो 50-6 ओवर के बाद दो खिलाड़ी के नुकसान पे और यहाँ से इस्लामिया मेरे ख्याल से आगे है। मैं अपने स्कोर से बिल्कुल जानना चाहूंगा, बिल्कुल वो काफी आगे निकल चुकी है लेकिन यहाँ से पावर प्ले के बाद अब किस प्रकार की गेंदबाजी, क्या वो स्पिन की गेंदबाज, जी हाँ विकास के हाथ में मुझे गेंद नजर आ रही है, शायद वे गेंदबाजी करते हुए आप नजर आएंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आदिल वानी, वो जो आखिरी स्ट्रोक आदिल वानी के बल्ले से साफ वो क्लास नजर आ रहा था आदिल का, आदिल का क्लास उस स्ट्रोक पे आप लिख लीजिएगा और वो कम नहीं रहेगा क्योंकि वो बखूबी जानते हैं ऐसे परिस्थिति में किस प्रकार के बल्लेबाजी करनी है। साथ साथ उबैद कुरैशी बिल्कुल एक अच्छे इंटर्न के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, बिल्कुल वो बखूबी जानते हैं पावर प्ले में वो तेज तरीन स्ट्रोक उससे लगाना और फिलहाल उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। हालांकि हमारे स्कोरर उबैद के नाम अब तक कोई रन यहाँ पे बोर्ड पे नजर नहीं आएगा आपको, अभी उसका खाता नहीं खुला है। जी हाँ बिल्कुल वो एक बेहतरीन स्ट्रोक दागा था लेकिन शिविर लेफ्टी बाधा पड़ा उस स्ट्रोक में और आप जाके विकास के हाथ में गेंद जिन्होंने अंतिम
वो दो छक्के लगाए थे जब बल्लेबाजी कर रही थी केपी रोड किंग्स की टीम, और शायद उसके बदौलत वो 160 बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब उसके हाथ में गेंद, अब बल्लेबाजी से तो आपने कारनामा किया, जो आपको करना था, जो दरकार थी उस समय पे टीम को, वो आपने करके दिखाया। लेकिन गेंदबाजी में आप किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हो, कहीं ना कहीं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे ख्याल से इस मुकाबले में, विकास तैयार हो रहे हैं पहली गेंद करने के लिए, और वो लेग स्टंप के साथ शुरुआत की है। वैड का इशारा एम्पायर के जानिब से, पड़ने के बाद वो गेंद सीधी रही और गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तान में चली गई थी। लेकिन इससे पहले एम्पायर का इशारा किए, गेंद जो है अतिरिक्त खाते में आप लिख लीजिएगा। फिलहाल सिंगल के सारे टीम का स्कोर अब 51 जा पहुंचा है, दो खिलाड़ी के नुकसान पे 6.1 ओवर की गेंदबाजी। और हमारे स्कोरर एक बार फिर वो गलती कर रहे हैं, वो इस गेंद को बिल्कुल उसने डार्ट गेंद में वो तस्वर किया है, लेकिन जरूर वो बात को बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहले इस बार रक्षा मथुर से गेंद को खेला वापस गेंदबाज के जानेब और अपने भाई जानेब गेंदबाज गए और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन में एक बार फिर कोई इजाफा नहीं, वो बैद सामना करेंगे, अभी भी खाता खुलना बाकी। इस बार वो ऑन साइड में गेंद को धकेलने के बाद जैसे ही देखा कि वो खिलाड़ी पीछे है, बिल्कुल अपने सोयगी पार्टनर को इशारा करते हुए कि इस बार तो सिंगल मिलेगा मुझे और इस बार तो मौका है मेरे पास वो खाता खुलने का। फिलहाल सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे उबैद कुरैशी का, और इस सिंगल के सारे टीम का स्कोर 53, दो खिलाड़ी के नुकसान पे। सातवें ओवर में अभी हम दाखिल हो चुके हैं और 160 का पीछा कर रही है इस्लामिया क्रिकेट क्लब, और यहां से अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकेट्स केवल इस मुकाबले में अंतर डाल सकते हैं केपी रोड किंग्स के लिए। और वो विकेट्स कितने समय के बाद आप चटकाए थे, और ये शायद मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज रहने वाली है इस मुकाबले में। एपीएल अनंतनाग प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट 2024 का फाइनल मुकाबला था, और मटन के स्टिकबाग के मैदान से ये मुकाबला जो ये मंजर जो आप तक पहुंचाया जा रहे जीके क्रिकेट जोन के वसादत और उसके साथ साथ अशमोजी क्रिकेट क्लब के वसादत से। और फिलहाल दूसरे इनिंग में हम दाखिल हो चुके हैं, दूसरे इनिंग के सातवां ओवर चल रहा है, विकास अपने कोटे का पहला कर रहा है, इस बार स्वीप किए और पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, दौड़ लगानी पड़ी क्षेत्र को, क्या रोक पाएंगे अंत में बिल्कुल टाइमिंग प्रयास करते हुए खिलाड़ी शायद बासित अकबर वहां पे है, बिल्कुल वो चीते की तरह दौड़ते हुए गेंद तक पहुंचे, गेंद को उठाकर थ्रू जरूर किया है, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास वो दो रन लेने का। तो दौड़ के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 7 के बाद 55, दो खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी इस मुकाबले को बिल्कुल अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं तो वो 8.78 गेंदे और 107 रन की दरकार है यहाँ पे, यानी विकेट्स अगर आप चटकाओगे तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है इंटरेस्टिंग स्थिति यहाँ पे इख्तियार कर सकता है। लेकिन उसके लिए गेंदबाजी आपको सही ठिकाने पे करनी होगी, सही टप्पे पे गेंद को टापा खिलाना होगा, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ से नजदीकी खिलाड़ी में इजाफा करना होगा। रिजवान मेरा ये मानना है कि बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं आदिल वानी की बात करूँ, बिल्कुल वो संयम से काम ले रहे हैं, वो बिल्कुल वो जोखिम ज्यादातर लेना पसंद नहीं करते। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आदिल वानी की, तो क्या उसके विरुद्ध ये रणनीति यहाँ पे कप्तान को अपनानी चाहिए कि उसके विरुद्ध अगर वो इजाफा करे वो नजदीकी खिलाड़ियों में वो सिंगर रोकने का प्रयास करेंगे ताकि आदिल वानी को मजबूर किया जाए वो बड़े शूटरों के लिए। और वैसे में अवसर है आपके पास और वो मिसहिट भी चल सकती है। फिलहाल गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, और आप जाके जिस गेंदबाज का चयन किया है उस गेंदबाज का जरूर हम नाम जानने की कोशिश करेंगे, और जो ही वो नाम जो है हम तक पहुंचेगा जरूर हम अपने श्रोताओं को वो बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि और एक स्पिन गेंदबाज शायद विनीत लग रहा है, बिल्कुल विनीत, हालांकि बल्ले से आज निराशा कर गए, गेंदबाजी कैसे करेंगे। पहली गेंद वो कट करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी भाग लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए उबैद कुरैशी के नाम ये चौका, और चौके की मदद से आप जाके टीम का स्कोर धीरे धीरे 7 की ओर बढ़ता हुआ, दो खिलाड़ी के नुकसान पे 8 विकेट अभी भी आपके हाथ में है, यानी वो 100 रन चाहिए अभी भी आपको मुकाबला जीतने के लिए। और अगर मैं इस मुकाबले के जिक्र करो तो फाइनल का ये मुकाबला है, और वो जो लक्ष्य आपको मिला है और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे जद्दोजहद जारी और जारी, वो ताज की लड़ाई लड़ी जा रही है जहाँ पे इस्लामिया चाहेगी बिल्कुल जो लक्ष्य हासिल करके ये ताज अपने नाम करे। और दूसरा पहलू अगर जिक्र किया जाए फील्डिंग वाली टीम की अगर बात की जाए तो वो चाहेंगे जरूर कि ये मुकाबला जो है जीत कर वो ताज जो है अपने नाम करे। लेकिन आज ये जो ताज है किसके सर पे बांधा जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और फिलहाल लगातार दोनों एंड से स्पिन गेंदबाजी अब हमें देखने को मिल रही है, इस बार वो ललचाने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल वो कूल काम की तरह यहाँ पे खेलते हुए आदिल वानी ने कलाई के सारे मिडिल करके जाने इस बार गेंद को धकेला, और चहलकदमी के साथ यूं कहा जाए तो बड़े इत्मीनान और बड़े प्यार के साथ ये सिंगल जो है मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने, और धीरे धीरे सिंगल के सारे सिकोर बोर्ड को आगे चला रहे हैं। आदिल वानी की ये खसूसियत है बिल्कुल वो सिकोर बोर्ड को रुकने नहीं देंगे,
बिल्कुल चाहे सिंगल चाहे डबल, और जब जब उसको मौका मिलेगा बिल्कुल वो हाथ खोलते हुए आपको नजर आएंगे। और वो उमूमन उस फिराक में रहते हैं, उस इंतजार में रहते हैं कि कब उसके पाले में वो गेंद आई और कब वो अपना प्रमुख स्ट्रोक, बिल्कुल उमूमन वो इनसाइड आउट खेलने के महारत रखते हैं। और वो अभी भी वो स्ट्रोक अपना वो यू कहा जाए तो लोकप्रिय स्ट्रोक आदिल वानी का अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन जिस प्रकार से गेम को चला रहे हैं, इन्हें एंकर का रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे अपने टीम के लिए। तो दूसरे एंड से उबैद कुरैशी, क्या उसके भले से वो लगातार रन आएंगे? इस बार जगह था, हाथ खोलने का मौका था कुरैशी के पास, गैप तराशी और बैकवर्ड पॉइंट के बाहर गेंद को सीमा पार पहुंचाया रन के लिए। अंतिम गेंद पे चौका लगाकर टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है, अगर मैं बात करूं 160 के जवाब में 64 फॉर द लास्ट ऑफ टू। 8 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं रिजवान। शुक्रिया इमू भाई, जैसा आप कह रहे थे कि गो फॉर द किल जाना चाहिए अब इस्लामिया केपी रोड किंग्स को, अगर इस मुकाबले को उन्हें जीतना है और वापसी करनी है तो उन्हें चाहिए विकेट्स। और विकेट्स कहां से आएंगे? आपको क्लोजिंग फील्डर्स बढ़ाने होंगे। विनीत का ओवर रन्स लीक करते हुए, विनीत सोर में बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए उबैद कुरैशी और उनके साथ साथ आदिल वानी, वहां पर उमेश इतू कुछ पैगाम लेके आए थे। उमेश इतू ने उबैद कुरैशी और आदिल वानी को कुछ पैगाम दिया और स्कोर बोर्ड को वो लगातार रोटेट कर रहे हैं, चला रहे हैं और उससे धीरे धीरे उन पे प्रेशर कम होता हुआ और केपी रोड किंग्स पर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। लेकिन केपी रोड किंग्स की टीम वापसी करना जानती है, ये गेंद और लेग स्टंप से बाहर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले से टकरा के गई शॉर्ट मिड विकेट की जानिब, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया बिना किसी रन के। एक बार फिर ये गेंद आदिल को शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को खेले है थर्ड मैन की जानिब, वहां पे अच्छी फील्डिंग, रन लेना चाहते थे, नकारा वहां पर उबैद कुरैशी ने, वापस चल दिए आदिल क्रीज में बिना किसी रन के। लगातार दो डॉट गेंदे, प्रेशर बढ़ाना होगा अगर विकेट हासिल करनी है। ये गेंद, इस गेंद को फिर धकेल दिया है कवर की जानिब, वहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, गेंद वापस चल दी विकास। एक बार फिर गेंद करेंगे आदिल को, आए गेंद की और इस गेंद को दिफाई अंदाज के साथ खेले विकास की जानिब। विकास ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है आज, आखिरी पलों में बल्ले से भी उन्होंने रन बटोरे और उसके साथ साथ अभी बॉलिंग में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इस गेंद को हल्के हाथों से खेला और चहलकदमी करते हुए एक रन मुकम्मल किया आदिल ने। सॉरी रिजवान भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हालांकि हमारे स्कोर से एक रन जो है मिस हुआ है वो मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा और आप कैरी कीजिएगा। शुक्रिया इमू भाई। विकास चले उबैद को, उबैद ने से टैप पर कर दिया, वहां पे शानदार फील्डिंग, खतरा हो सकता है और इस तरह से रन आउट होते हुए वहां पर आदिल वानी। उबैद कुरैशी का स्ट्रोक खेले थे, विकेट अगर मिल सकती थी वो एक ही तरीके से मिल सकती थी, रन आउट की सूरत में आदिल वानी आउट होते हुए। बैकअप कर रहे थे, ज्यादा बैकअप कर गए, एक शानदार फील्डिंग पॉइंट पर गेंद को एक हाथ से उठा दिया और उसी अस्था में थ्रो करते हुए वापस नॉन स्ट्राइक एंड पर, और आदिल वानी बहुत दूर रह गए थे क्रीज से। इस तरह से तीसरा झटका लगता हुआ इस्लामिया क्रिकेट क्लब की टीम को। अब ड्रेसिंग रूम से नमूदार हुए हैं उमर वाटसन। उमर वाटसन अब खेलने के लिए आए हैं 63 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी अपनाने के बाद रन आउट की सूरत में वापस चले गए हैं आदिल वानी। अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे, एक अच्छी फील्डिंग, इसी तरह से अगर प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हुई इस केपी रोड किंग्स की टीम तो यह मुकाबला और भी दिलचस्पी में दाखिल हो सकता है। उबैद कुरैशी ने स्ट्रोक खेला था और स्ट्रोक खेलते ही वहां पर आदिल वानी बैकअप कर गए, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने एक ही हाथ से गेंद को उठाया, वो थ्रो कर दिया और बहुत दूर बहुत पीछे रह गए थे वहां पर। इस तरह से एक जोखिम भरे रन के लिए अपनी विकेट देनी पड़ी वहां पर आदिल वानी को। अब उमर वाटसन खेलने के लिए आए हैं।
उमर वाटसन भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आए गेंद की और ये गेंद पूरी तरह से बीट हो गए वाटसन, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विनीत कुमार विनीत कुमार दूर वाले छोर से बॉलिंग कर रहे हैं और उनकी गेंद का सामना करेंगे उमर वाटसन 63 विकेट के नुकसान पर। विनीत चले गेंद करेंगे उमर वाटसन को, इस गेंद को रिवर्स करना चाहते थे, गेंद वहां पर उनके हाथ से टकराई और जोश बढ़ाते हुए वहां पर केपी रोड किंग्स के शाइकीन विनीत की इस गेंद पर रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहे उमर वाटसन। विनीत आए गेंद करेंगे उमर वाटसन को, वाटसन ने इसे हल्के हाथों से धकेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब। एक रन बनाने का मौका था, एक रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने चहलकदमी के साथ। उबैद कुरैशी अब जानते हैं कि एक गलती उनसे हुई है जो आदिल वानी की विकेट रन आउट की सूरत में। एक बार फिर विनीत आए गेंद करेंगे उबैद को, उबैद ने इसे बैकफुट पे जाते हुए वापस धकेल दिया विनीत की जानिब बिना किसी रन के। विनीत एक बार फिर गेंद करेंगे उबैद को, आए गेंद की और तैयार नहीं थे वहां पर उबैद, और लाइट्स वहां पे अंपायर के पीछे जो लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे वो नाखुश है। उबैद कुरैशी सीधे उनके आंखों में आते हुए बिस्तर होते हुए और अब उन्होंने रोका वहां पर, यहां पर एक बार फिर विनीत साइड स्क्रीन में कुछ बाधा आने के बाद एक बार फिर तैयार होते हुए उबैद कुरैशी, अविजीत गेंद करेंगे उबैद कुरैशी को, आए गेंद की, इस गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब उबैद ने और एक रन बनाने का मौका था, एक रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने। उबैद कुरैशी और उनके साथ साथ उमर वाटसन इस वक्त खेल रहे हैं। विनीत बैंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मटन के स्टिक बाग के मैदान में और क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेले हैं वहां पर उमर वाटसन, गेंद को वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्ड करते हुए फील्डर, एक रन बनाने का मौका था, एक रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने। ओवर मुकम्मल होता हुआ विनीत का तो 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 68 है स्कोर इस्लामिया क्रिकेट क्लब का और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ड्रिक्स का इस वक्त 92 शेख जावेद अबे खानपुरा से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमें प्रेज दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, हमारे व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, तो मेरी विनती रहेगी उनसे कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप दिलकश मरहलों का और दिलचस्प मरहलों का अपने घरों में बैठ के आनंद ले सके। मटन के टिकबाग के इस मैदान से इस वक्त यह मुकाबला जारी है। एक अच्छी साझेदारी के बाद आदिल वानी की विकेट रन आउट के तौर पर हासिल की केपी रोड किंग्स ने। इस वक्त पानी का वक्फा है और इसी दौरान मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर से पूछना चाहूंगा, इमू भाई क्या कहेंगे आप इस मुकाबले के बारे में, इस वक्त इस मुकाबले की पोजीशन क्या है और आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त किस टीम का पलड़ा भारी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैं यहां से समझता हूं कि बराबरी का ये मुकाबला है क्योंकि 10 ओवर में आपने 68 बनाए और अगर मैं नजर डालू तो कहीं ना कहीं सेम उसी प्रकार की स्थिति यहां पे जब केपी रोड किंग्स के बल्लेबाजी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो 10 ओवर के बाद उन्होंने भी 3 विकेट गवाए थे और करीबन वो स्कोर जो था अराउंड वो 63-65 तक था और बिल्कुल यहां से अब जो खेल बचा है यानी जो बैटिंग वाली टीम की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अब दबाव रहने वाला है क्योंकि यहां से अगर आपने जल्दी विकेट गवाई तो वो जो प्रेशर जो अभी आपको शुरुआत के समय पे वो फील्डिंग वाली टीम पे लग रहा था वो दबाव जो है वो वापस आ सकता है बैटिंग वाली टीम पे। तो कहीं ना कहीं यू कहा जाए तो 50-50% ये मुकाबला 50-50 में मानता हूं यहां से अगर एक अच्छी साझेदारी तो दोबारा से ये मुकाबला आपकी जोड़ी में आ सकता है और यहां से अगर आपने वो विकेट निकालने में आपके गेंदबाज कामयाब रहे तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला जो है मेरे ख्याल से वो 60% फील्डिंग वाली टीम के हाथ में जा सकता है लेकिन बल्लेबाजी है काफी ज्यादा बल्लेबाजी अगर मैं इस्लामिया क्रिकेट क्लब की बात करूं लेकिन ऊपर से वो फाइनल का मुकाबला और विकेट की बात आज शुरुआत में हमने की थी कि उस प्रकार का ये विकेट जिसके लिए विकेट उमूमन जानी जाती है जिसके लिए ग्राउंड जाना
चला जाता है, वो 200-220 भी यहाँ पे चेज होते हुए हमने देखे है, लेकिन आज वो वर्षा के कारण वो विकेट में है, वो धीमा पर नजर आया शुरुआत से ही, वो गेंद कभी कभार रुकने के बाद फंस के आ रही है, यानी आज गेंदबाजों के पास भी एक सुनहरा मौका है अपना दमखम दिखाने का। और बल्लेबाजी में अगर आपके पास क्लास है, अगर आपके पास वो क्षमता है, तो आप भी अपना वो अपनी कला वो दिखा सकते हो। फिलहाल मुकाबले की बात करें तो मुकाबला ऑन है, जी हाँ, ये मुकाबला जो है जीवित है दोनों टीमों के लिए, कोई भी टीम ये मुकाबला यहां से जीत सकती है। और अगर मैं बात करूं तो 60 गेंदे और करीबन मेरे ख्याल से 92 रन और बनाने हैं यहां पे, तो करीबन 9 की सरल के साथ बल्लेबाजी आपको करनी होगी, 9 प्रति ओवर बिल्कुल लाल के। मुश्किल काम तो इस मैदान पे रहने वाला नहीं है, लेकिन वो फाइनल का मुकाबला, ऊपर से वो जो क्राउड जो है वो पापा और पुपू की आवाज जब बजती है तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर यहां पे बल्लेबाजों पे बिल्कुल आ सकता है। और विकास के हाथ में एक बार फिर गेंद, विकास की बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी, जी हाँ, जब से वो स्पिन आक्रामक यहां पे वो इख्तियार किया है कप्तान ने, तब से रनों पे भी अंकुश। और लीजिए ठीक हमारे कॉम्बक्स की ओर गेंद को भेजा है, और गेंद एक टप्पे के बाद लगान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। गेंदबाज के सर के ऊपर से सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती है, जब मैं क्रिकेट की बात करूं तो उसी अंदाज में, उसी शैली में, और ये गेंद को पहुंचा 4 रन के लिए। उमर वाटसन के नाम ये पहला चौका, और चौके की मदद से अब जाके 68 से बढ़कर 72 टीम का स्कोर, वो 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। विकास के विरुद्ध ये पहला बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला है, ये अपने कोड़े का तीसरा ओवर कर रहे हैं, बाल बाल बचे हैं यहाँ पे, स्वीप करने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन पूरी तरह से गेंद जो है बल्ले को छकाती हुई ऑलमोस्ट वो फ्लाइंग किस देके गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिस्टम्स को, तो भाग्यशाली और खेमे के साथ साथ उमर वाटसन और उनके समर्थक, उनके चाहने वाले फिलहाल अभी भी बने हुए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, इस बार दूरी और छोटी मंजूरी, दूरी इतनी की छह की मंजूरी, और यहाँ पे छक्का उमर वाटसन के नाम, आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक। और अगर मैं बात करूं, अब तक 2 ओवर कर चुके थे विकास, मात्र वो 5 रन दिए थे 2 ओवर में, लेकिन इस ओवर में वो जो गेंदबाजी का नक्शा वो बिगाड़ के रखा है उमर वाटसन ने, लेकिन अभी भी आपके पास सुनहरा मौका है, वो आपसे आप कर सकते हो, लेकिन ये ओवर इस्लामी के नाम में मानता हूं। यहाँ पे 10 रन आए हैं फिलहाल, एक बार फिर इस बार इंतजार किया, सारा वजन पिछले पांव पे लेकर गेंद को कट के अंदाज में खेला जरूर था, लेकिन वहां पे गेंद को रोका गया और रनों में कोई इजाफा नहीं। वो सिंगल के लिए आगे आए थे, लेकिन मना किया वहां पे नाचगान पे उबैदपुराशी ने, और दर्शक उत्साहित है काफी इस मुकाबले को लेकर। और अगर मैं क्राउड की बात करूं, यानी मैं उन चाहने वालों की बात करूं जो क्रिकेट को चाहते हैं, चाहे आप घर बैठे बैठे इस मुकाबले को एंजॉय करो, चाहे आप अभी इस ग्राउंड में इस मुकाबले को देख रहे हो, लेकिन वो जज्बा साफ नजर आ रहा है। क्रेज क्रिकेट का 2024 में मेरे ख्याल से इतना ज्यादा क्रेज हमें नजर नहीं आया जो 2024 में ये क्रेज हमें नजर आया, और अभी अभी नजर पड़ी है, नो लिमिट पे मुझे नजर पड़ी है। और शायद द वॉइस ऑफ अनंतनाग, जी हाँ बिल्कुल, हमारे मलिक जायद भी आया है, और ये हमारे लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है थोड़ा विश्राम करने का, क्योंकि जायद को मैं बिल्कुल दावा देता हूँ कि आप आइए, अपने मधुर अल्फाजों में इस गेम की कहानी आगे पहुंचाइए। और जायद भाई बिल्कुल इस ओवर के बाद जुड़ेंगे जरूर, और जायद हमारे साथ हमारे कॉम्बक्स में आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। और कहानी इस समय बहुत नाजुक स्थिति में, और इस्लामिया सीसी इस मुकाबले में लगभग थोड़ी सी आगे जा रही है, 79 पे 3-11 समाप्त, और अब जाके 54 गेंदे बची हैं, और 54 गेंदों में कितने रन चाहिए हम अपने स्कोरर से जानना चाहेंगे। 81-54 गेंदे, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस फाइनल मुकाबले को, अनंतनाग प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला, और इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए इस्लामिया क्रिकेट क्लब थोड़ी सी फंसी अभी दिखाई दे रही थी, क्योंकि 3 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। नासिर कुमार पे आज बहुत सारी नजरें थी, लेकिन आज वो एक छोटा स्कोर कर गए, 25 रन बनाकर उन्होंने अपनी विकेट गंवाई, और उसके साथ साथ माजिद नदीम ने भी आज कुछ खासा किया नहीं, सिर्फ 4 रन बनाए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, विकास का ओवर समाप्त हो चुका है, नए गेंदबाज विनीत कुमार जो अभी तक 2.1 ओवर कर चुके हैं, 13 रन, हालांकि विकेट उनके पास नहीं है। मोहम्मद उमर जो कि उमर वाटसन के नाम से भी जाने जाते, इस बार राउंड द विकेट, फ्लाइट गेंद ऑन ड्राइव क्या है, हालांकि मिड विकेट पे खिलाड़ी, 1 रन से ज्यादा मिला नहीं उमर वाटसन। 11.2 ओवर, 80 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे
एक छोटा टारगेट मिला है आज इस फाइनल मुकाबले में इस्लामिया क्रिकेट क्लब को। हालांकि बैटिंग में भी गहराई है, जहांगीर लोन का ना बाकी हूं मैं से तो लियाकतमीर अभी पीछे बैठे हैं। खिलाड़ी यहां विकेट गिर सकते हैं और नीचे एक और विकेट मौसी तक बढ़ने वहां कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से यहां उबैद कुरैशी वहां पहुंचाएंगे और राखीमा देखे किस प्रकार से उत्साहित हो रहा है केपी रोड किंग्स का। उत्साहित है वहां पे और अब जाके कश्मीर के कोहिनूर जहांगीर लोन प्रवेश कर रहे हैं बल्लेबाजी के मोर्चे पे। सेमीफाइनल में सिर्फ एक गेंद खेली थी, 6 रन बनाए थे, वो विनिंग स्ट्रोक आया था इनके बल्ले से और फाइनल में अब इनके ऊपर नजरें रहने वाली है। उबैद कुरैशी वापस, वो खराब फॉर्म लगातार जारी है और जहांगीर लोन द लोन वॉरियर और बल्लेबाजी और वो किनके साथ करेंगे अपने पिछले टीम के वो फॉर्मर खिलाड़ी हम कह सकते हैं वो फॉर्मर टीम के इनके जो सदस्य रहा करते थे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला में उमर वॉटसन और जहांगीर लोन की जोड़ी मैदान पे। फिलहाल 80 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 11.2 ओवर के बाद रनों की रफ्तार तेज है और अब जाके यहां बल्लेबाजी टीम को कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी अन्यथा यहां मुकाबला आपके हाथ से फिसल रहा है। अगर यहां एक और विकेट गिरी तो केपी रोड किंग्स यहां एक तरीके से अपसेट खड़ी कर सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पे जहांगीर लोन और लाइव कवरेज को आप शेयर करते जाइए ताकि अन्य जो दर्शक हैं वो भी जुड़ते जाएंगे, वो भी आनंद लेते जाएंगे। वन की आप कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं देख रहा था दर्शकों की संख्या बहुत कम है हमारे लाइव विजुअल्स में और फेसबुक पेज अशमूजी क्रिकेट क्लब और जेके क्रिक जोन के माध्यम से आप मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और यहां मुकाबले का बहुत सारे जो दर्शक हैं वो अपना प्यार विचार दे रहे हैं। फिलहाल उमर वॉटसन और जहांगीर लोन की जोड़ी मैदान पे। विनीत कुमार ने अपनी पहली विकेट हासिल कर ली और अब सामना करने के लिए जहांगीर लोन तैयार हो रहे हैं। एक 100 ओवर गेंद एक फ्लाइटेड गेंद पे फंसाने में कामयाब हुए विनीत कुमार। पिछली गेंद पे उबैद कुरैशी को फ्लाइटेड गेंद और पहली गेंद हवाई यात्रा पे हो बल्ले की गर्जन रन आधे दर्जन जहांगीर लोन के खाते में। पहली गेंद पे बड़ा शॉट और जहांगीर लोन ने यहां तो दर्शा दिया वो किस क्यों कोहिनूर कहलाते। विनीत कुमार पे वार किया और छक्के के लिए उन्होंने यहां गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर। 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 11.4 ओवर के बाद जहांगीर लोन पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे वहां पीछा किया था लेकिन कट नहीं कर पाए और एमओ भाई बिल्कुल हमारे बगल में इस लाइव कवरेज को आप तक पहुंचा रहे हैं जेके क्रिक जोन और अशमूजी क्रिकेट क्लब के माध्यम से आप इस लाइव कवरेज का आनंद ले रहे हैं। इस बार वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से धकेला कवर क्षेत्र में, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति 12वें ओवर की समाप्ति के बाद 86-4 और अब जाके 48 गेंद में 76 रन चाहिए। मुश्किल है मुकाबला, काफी क्लोज आएगा ये मुकाबला। एमओ भाई क्या कहना चाहिए? अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो दांतों तले उंगली चबाने का समय आया है। बिल्कुल अगर मैं दोनों खेमों की बात करो और यहां से जैक लोन पे निर्भर रहने वाली है पारी अब और उसके बाद हल्की बल्लेबाजी में देखता है जायद गहराई है वो मैच सितु का आना बाकी है और उसके साथ साथ मोहम्मद उमर के साथ साथ जैक भी बने हुए हैं। लियाकत बाहुबली मीर आदिल 50 ये बल्लेबाजी आपके पास काफी ज्यादा है लेकिन वो जो फाइनल का प्रेशर वो भी ध्यान में यहाँ पे रखना होगा और कहीं ना कहीं यहां से अगर एक और विकेट तो ये मुकाबले में बिल्कुल और रोमांच नजर आएगा। निश्चित तौर पर वो मैं कह रहा था इससे पहले भी कि गहराई है बल्लेबाजी में क्योंकि उमर सितु लियाकत रोन और अभी जो दो बल्लेबाज खेल रहे हैं इन पे काफी नजरें रहने वाली है। टीम का स्कोर 86 है 48 में अब चाहिए 74। मुश्किल तो है नहीं लेकिन आसान भी अब नहीं है। अनुज कुमार गेंदबाजी के मोर्चे पे आ रहे और केपी रोड किंग्स ने जो क्रिकेट खेली है इस पूरी प्रतियोगिता में खासकर सेमीफाइनल में एक अपसेट देखने को मिला। और जो अपसेट देखने को मिला था अलीजाना क्रिकेट क्लब को हराया था केपी रोड किंग्स ने। हालांकि काफी इजी ले गई थी अलीजाना की टीम उस मुकाबले को लेकिन केपी रोड किंग्स ने दानिश मुजफ्फर के वो आखिरी ओवर के दो छक्के अभी भी उन छक्कों की गूंज
उन छक्कों का वो जो विश्वास अभी भी इस टीम में शामिल है। और आज हालांकि बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई दिखी नहीं हमने, क्योंकि केपी रोड किंग्स के जो पहले तीन बल्लेबाज वो बिल्कुल बिना खाता खोले ही वापस गए। मैं दूर से ही देख रहा था आपके लाइव प्रसारण को, मैं एंजॉय कर रहा था। इस बार शॉट ऑफ लेकिन गेंद कट करना चाहते थे उमर, लेकिन गेंद और बल्ले में मिला नहीं और अच्छी खासी रणनीति के साथ आगे गई है केपी रोड किंग्स। और केपी रोड किंग्स के राजाओं ने तो आज अपना राज लगातार जारी रखा है। 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। और अभी भी आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि लाइव कवरेज को शेयर करते जाइए आप, ताकि अन्य दर्शक भी जुड़ेंगे। अगली गेंद शॉर्ट पिच हल्के हाथों से निकाला, उमर वॉटसन ने एक रन के लिए दूसरे की मांग होगी और जोखिम हो सकती है, जागीर लोन बच गए। अच्छा तो नहीं वहां बासित अकबर कर पाए, लेकिन हालांकि इस प्रकार से उन्होंने गेंद को उठाया, जल्दी से थ्रो किया, हालांकि गेंद सही निशाने पे लगी नहीं, लेकिन फिर भी दो रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एमओ जैद ये एक्सपीरियंस दर्शाती है बिल्कुल उमर वॉटसन की, काफी अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। बखूबी जानते हैं कि बासित अकबर बिल्कुल वो सीमा के करीबन करीबन 2-3 फुट अंदर है, तो क्यों ना बिल्कुल हल्के बल्ले से खेला जाए और दो रन यहाँ पे मुकम्मल किए जाए। अच्छी सोच इस बार, और नजाकत के साथ डिफ्लेक्ट किया गेंद को और गेंद तोड़ गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। अनुज कुमार का चयन यहाँ पे 13वें ओवर में किया है और फिलहाल रन बरसने यहाँ पे शुरू हुए जैद बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल पहले से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उमर का क्रेज पे रहना, हालांकि सेमीफाइनल नहीं खेले थे, 12th मैन की भूमिका निभा रहे थे। और मैं दर्शकों पे नजरें डाल रहा हूं, दर्शक हजारों की संख्या में और ये तादाद कल आपको गुण में भी दिखेगी। गुण प्रीमियर लीग का फाइनल कल होने वाला है और वहां भी ये कारवा आज यहां पे समाप्त नहीं होगा। अगर लोग आज यहां पे तो कल ये रुख करेंगे गुण का, क्योंकि गुण में कल रनों की धुंध और वो दर्शकों का उत्साह देखने को मिलेगा जहां पे दानियाल स्पोर्ट्स आगा बिटने वाली आरसीबी वेरिना के साथ, लगभग खिलाड़ी सेम ही है। कल जहांगीर लोन वहां भी आपको दिखेंगे, बासित अकबर यूनुस एफटी वहां भी दिखेंगे, लेकिन कल इश्तियाक रसूल होंगे, कल आपको नासिर कुमार जो जहां भी खेल रहे वहां भी होंगे। और जी हाँ, कमेंटेटर्स भी सेम होंगे, मलिक जायद और इमो भाई के साथ आप कल आनंद लेंगे जेके क्रिक जोन और द वॉइस ऑफ अनंतनाग पे। इस बार कट करना चाहते थे, बीट हो गए वहां उमर, अच्छी वापसी विनीत कुमार की, इस खिलाड़ी में दमखम है विनीत कुमार जो कि दिल्ली बॉय है और अपने दमखम के साथ, हालांकि जितने भी ओवरसीज हालांकि कह सकते हैं जेएनके से बाहर जितने भी खिलाड़ी यहां आ रहे हैं ना, ये टर्फ पे काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसा हम बीपीएल में भी देख रहे हैं। वहां पे धीरू सिंह का शतक, दीक्षांत कुंडल का शतक, हालांकि कल तो वसीम काचरू ने लाज ही रख दी कश्मीर के बल्लेबाजों की। वहां पे अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश और बीट कर दिया इस गेंद पर भी, लगातार यहां बीट हो रहे हैं। और इस ओवर में अभी तक वो एक चौका, दो सिंगल्स और एक वाइड, 7 रन अभी तक 4 गेंदों से टीम का स्कोर थे रामले पे 4। एमओ हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वापसी की है गेंदबाज अनुज कुमार ने, और सहमति में रखता हूं जो आप अभी बात दर्शा रहे थे कि बाहर के खिलाड़ियों ने तर्प विकेट्स पे बिल्कुल काफी यहाँ पे आज खेल दिखाया है, चाहे मैं बीपीएल की बात करो या अन्य मैदानों की बात करो, और अनुज कुमार भी उनमें आते हैं। हालांकि आज भी बल्ले से रन लगे और वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में बिल्कुल फिर विकेट गंवाई थी, लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो मुकाबले की ओर दोबारा से रुख करना चाहेंगे। ये मुकाबला जो है बिल्कुल धीरे धीरे उस पल की ओर दाखिल होता हुआ जहां पे हम ये कहेंगे फिर कमजोर दिल वालों का खेल रहने वाला तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला मेरे ख्याल से अंतिम क्षण तक जाएगा जाहिर। और मेरी नजर कुछ दर्शकों पे, हालांकि जख्मी हो गया है लेकिन फिर भी मैच का मजा ले रहे हैं। और दिस इज द क्रेज ऑफ क्रिकेट, दिस इज अनंतनाग प्रीमियर लीग क्रेज, दिस इज द कश्मीर क्रिकेट क्रेज। और यहाँ पे आप खुद ब खुद देख रहे होंगे दर्शकों की संख्या कितनी है, और हालांकि यहाँ पे कैपेसिटी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर से सुई डालेंगे वो नीचे नहीं गिरेगी, उतने दर्शक हैं। बिल्कुल दर्शकों की मात्र तादाद यहाँ पे धीरे धीरे बिल्कुल जू ही बिल्कुल, अगर मैं बताता चलो आपको, जो आसपास के लोग जो अभी घर में ये मुकाबला देखते हैं बखूबी, वो भी जानते हैं कि चलो अभी जो है ग्राउंड हमारे पास में है, क्यों ना वहां से इन पलों का मजा लिया जाए, तो शायद इसके कारण वो दर्शकों में और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ये दावा है कि जाहिर अगर ये मुकाबला जो है अंत तक ओवर गए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सुपर ओवर तक ये मुकाबला जाए, आपके क्या विचार रहेंगे और हमारे व्यूवर्स के क्या विचार है, क्या सुपर ओवर आज देखना चाहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल देखना तो हम भी पसंद करेंगे, जैसा अभी आप कह रहे थे कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं है, तो कमजोर दिल वालों का क्या करें फिर, हालांकि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है। और पूपा जो है वो लगातार जा रहे हैं, और हम इस भाई साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे जो वसीम है, मेरे ख्याल से गांदरबल से आते हैं, जी हाँ गांदरबल से आते हैं पूपा भेजने के लिए। और
ही इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी ऑफ अस। वो कितनी दूर से आते हैं लेकिन जो शोर हमारे कानों में आ रहा है ये इसी बंदे की वजह से आ रहा है। और जाहिर मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे बिल्कुल विदाउट दिस पूपा एंड पापा उसके बगैर बिल्कुल फाइनल का खाता पर मजा नहीं है। और कल तो ये बजने वाले हैं गुंड के मैदान से और वहां पे इतिहास गवाह है कि जब ये पापा और पूप की आवाज ही वहां पे गूंजती है और फिर हमारे लिए भी मुश्किल रहता है वहां पे। सही, हर किसी के लिए मुश्किल, बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए, अंपायर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, कॉमेंटेटर्स के लिए। बासित अकबर टैलेंट पे गेंद डिफ्लेक्ट किया आपके हाथों से, स्क्वायर लेग पे एक रन मिलेगा। 94 पे 4 66 चाहिए 41 गेंद में। मुकाबला मुश्किल हो रहा है इस्लामी आसीसी के लिए और अगर यहां पे एक और विकेट गिरी तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ केपी रोड बाजी मार लेगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्योंकि रन भी आपको अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट वो 9 के ऊपर से अब चाहिए हर ओवर में। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 9.5 के औसत से रनों की दरकार रहने वाली और यहां से एक और विकेट तो मुकाबला जो है पूरी तरह से आन केपी रोड किंग्स के लिए। लेकिन इस बार वो सिंगल के लिए अभी भी बल्लेबाज तरस रहे हैं, यानी बड़े स्ट्रोक तो बीच बीच में आ रहे हैं। वो जैक का छक्का हमने देखा, वो उमर वाटसन का चौका हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद जो सिंगल जिसके कारण वो स्कोरबोर्ड को चलाया जाए लेकिन वो सिंगल निकालने में पूछ रहे दोनों बल्लेबाज और ये अच्छे संकेत यहाँ पे शायद फील्डिंग वाली टीम के लिए। फिलहाल बासित अकबर एक बार फिर वो जोरदार अपील और शायद गेंद बल्ले पे लगी है। जी हाँ, वो इशारा साफ अंपायर के जानिब से कि बासित भाई गेंद तो बल्ले पे लगी है, तब जाके पैड पे टकराई है तो आउट देना मुश्किल रहेगा। लेकिन ये बात बासित के दिल पे लगी है और दिल पे लगने के बाद वो उत्साह वो गुस्सा देखा हमने केपी रोड किंग्स के खिलाड़ियों के चेहरे पे। और केपी रोड किंग्स की मैं दाद दूंगा एक बड़ी टीम को यहाँ कितनी टक्कर दे रहे हैं। हार की कगार पे समय इस्लामिया सीसी है लेकिन केपी रोड किंग्स की जितनी प्रशंसा करें वो कम होगी। नहीं, आप यहाँ पे फाइनल पहुंचे हो तो किसके कारण पहुंचे, वो 235 को आपने पार किया, वो पहाड़ जैसा लक्ष्य आपने चेंज करके आप फाइनल में उतरे हो और फाइनल में आपकी टीम जो है बैटिंग जो है कोलैप्स हुई है। शुरुआत के 6 ओवर में अगर मैं बात करूं तो पहले 3 विकेट गिरे आपके वो 5 रन के स्कोर पे, उसके बाद बासित अकबर और साथ साथ अगर मैं बताता चलो अनुज कुमार ने पारी को संभाला और एक बार फिर वो जोरदार अपील। लेकिन इस बार गेंद जो है पड़ने के बाद के बाहर जा रही है, दूसरे रन के लिए पलटे शिविर लपटी जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते हैं, वो 2 रन लेने का मौका, 2 रन के सारे अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर 96 यानी अभी भी चाहिए आपको 62 नहीं माफ कीजिएगा 64 चाहिए अभी भी आपको यह मुकाबला जो है अपने नाम करने के लिए। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 6 ओवर यानी 36 गेंदे आपके पास, 38 गेंदे और रन चाहिए आपको 64। मुश्किल काम धीरे धीरे लग रहा है यहाँ पे। एक बार फिर वो मारने का प्रयास किया था, वो कदमों का इस्तेमाल, वो निगाहें कही जायद, वो निशाना कही, लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा डार्ट गेंदे वो टॉनिक जैसा काम करेगी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो टांग से ऊपर अगर कोई शब्द है तो वो लागू हो सकता है यहाँ पे केपी रोड की गेंदबाजों के लिए। And we are very much thankful to the people who are watching us on JK Cricket Zone. JK Cricket Zone has crossed 1K mark and we are very much thankful. Bolt kiya hai is baar. Yunus ke apni semi spin hua hai. Aur gend seema rekha se bahar 4 runs ke liye. Kya behtareen chauka. Pull kiya tha lekin wahan pe mere khayal se aaki bahut baat hai piche deep square leg pe. Unhone gend ko nahi roka. Aur aasan ye mauka tha unke liye gend ko rokna. Lekin gend seema paar 4 milenge. 100 pure sak chahiye 37 mein. आखिरी बार इस ओवर में, हालांकि अब 96 चाहिए 104 पे 4। बासित अकबर का ओवर समाप्त 9 रन ओवर से और अब वो इक्वेशन काफी क्लोज, 36 गेंदें बची हैं। माफ कीजिएगा, अभी एक गेंद का नाम बाकी है लेकिन वहां से कुछ ओवर हो गया, ओवर हो गया, ओवर हो गया, इशू शिविर कर मुझे थोड़ा। ओके जी हाँ, तो ऑफिशियल स्कोरर जो हैं वहां पे ये ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं। 14 समाप्त, 100 रन 4 विकेटों के नुकसान पे और आज तो यहाँ कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। 6 ओवर 60 रन, 10 रन प्रति ओवर और मुकाबला काफी क्लोज आ रहा है। इस्लामिया क्रिकेट क्लब को यहाँ अब थोड़ा सा पीछे धकेला गया है केपी रोड किंग्स से गेंदबाजों की तरफ से। तो जायद यहां से इरादे अब साफ नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के और क्या यहां से वो जैक शो देखने को मिलेगा, जैक जिसके लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो अलग मसला है कि पिछले कई महीनों की अगर मैं बात करूं तो जैक का बल्ला भोला नहीं है, शायद वो केपी रोड के लिए एक अच्छे बात के संकेत है। लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो 10 के हिसाब से रन बनाने होंगे आपको और वो संदेश डगआउट से बिल्कुल भले ही आपको पानी की बोतल आपको नजर आएगी बिल्कुल वो दोनों खिलाड़ियों के लिए, लेकिन मैं यहां से समझता हूं कि वो पानी कम वो मैसेज ज्यादा आई होगी कि भाई साहब आप दोनों ओर से वो बल्ला चलाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बल्लेबाजी तो हमारे पास है और बेवजह बिल्कुल वो बल्लेबाजी को
खेमे में रखकर क्या करना है, और इससे बेहतर यही है कि आप दोनों रिस्क लीजिए। वो आदिल फिफ्टी आपको नजर आएंगे और उसके साथ साथ रासिक मंजूर वो भी आपको नजर आएंगे, दोनों खिलाड़ी को समझाते हुए। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एक बार फिर अनुज कुमार के हाथ में गेंद। अनुज आज बल्ले से तो बिल्कुल एक अच्छा योगदान दिया अपनी टीम को, शायद उसकी और बार बार ये बात मैं दोहराना चाहूंगा क्योंकि एक बुरे समय से गुजर के आई है केपी रोड किंग्स की टीम। जब शुरुआत करने के लिए उतरी थी तो 5 पे 3 खिलाड़ी गए थे और अनुज ने पारी को संभाला और उसके साथ साथ बासित ने पारी को संभाला। बल्लेबाजी में तो आपने योगदान दिया लेकिन उसको भूल जाइए, गेंदबाजी पे फोकस कीजिएगा। आपके चाहने वाले यानी आपका खेमा आपसे एक अच्छी गेंदबाजी चाहता है और खासतौर पर एक विकेट अनुज से चाहता है। सही बात है, अनुज के पास वो एक्सपीरियंस हो यहाँ आपको ज्यादा निराश नहीं करेंगे। पहली गेंद ड्राइव, क्या गेंद को पीछे खिलाड़ी है लेकिन नहीं रोक पाएंगे और गेंद यहाँ सीमा रेखा से बाहर चली गई है। जहांगीर लोन के बल्ले से निकलता हुआ चौका, 11 पर वो पहुंचे 5 गेंदों से और मुकाबला वो अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं। और 100 के बाद 104 पे 4 15वें ओवर की शुरुआत, धाकड़ शुरुआत और स्वैग से स्वागत अनुज कुमार का। बिल्कुल वेलकम टू द बोलिंग क्रीज मिस्टर अनुज कुमार, ये जैक का बल्ला दर्शाता है यहाँ पे। फिलहाल एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए, जैक के लिए इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, बिल्कुल वो गति मिशन साफ देखने को मिला है और साथ साथ वो उछाल जो काम नजर आया इस गेंद पे, शायद इसके कारण बल्लेबाज वो दोहरे मन में पड़ जाते हैं। पड़ने के बाद क्या इस प्रकार की गेंद आएगी, क्या पड़ने के बाद वो नीचे रहेगी गेंद, शायद इसके कारण बल्लेबाजी आज का यहाँ पे करना मेरे ख्याल से मुश्किल जायद। बिल्कुल, और अनुज कुमार के पास तो एक्सपीरियंस है लेकिन जो एक्सपीरियंस जहांगीर लोन के पास है वो उससे कहीं ज्यादा है। कश्मीर क्रिकेट की अगर बात करें, अनुज कुमार के सामने जैक लोन, इस बार फिर से वो बेहतरीन गेंद और ये कहा कि चलिए थोड़ा सा आपको बैकफुट पे धकेलते हैं और धकेलने में कामयाब। टेस्ट किया वहां बल्लेबाज को, जहांगीर लोन इस गेंदबाजी पे फंसते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर आप टिप्पा खिलाइए, यहां फंसाएंगे जहांगीर लोन को, अगर आपने पाले में दे दी तो नाले में मिलेगी। बिल्कुल आपने मेरी मुंह की बात बिल्कुल छीन लिया है, वो ऑफ स्टंप के बाहर लगातार जहांगीर लोन के विरुद्ध शायद वो होमवर्क करके आए या बिल्कुल वो जो खिलाड़ी बिल्कुल उनमें से शिविर लेफ्टी ने बताया होगा, लेकिन इस बार ऊपर गई है दो खिलाड़ी गेंद के नीचे। अनुज अपने आप पे विश्वास रखते हुए दौड़ते गए और गेंद को लपक लिया, जैक लोन को वापस भेजा। ये कहानी में ट्विस्ट, ये कहानी में ट्विस्ट, जैक को वापस दगौड़ का रास्ता दिखाया गया और इस तरह से केपी रोड एक बार फिर मुकाबला में वापसी करते हुए जायद। इर्रेस्पॉन्सिबल बल्लेबाजी, खराब बल्लेबाजी अगर आपको देखनी है तो ये बल्लेबाजी उसका बहुत बड़ा नमूना था। जहांगीर लोन इस गेंद पे फंसे, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और एक्सपीरियंस झोंका इस गेंद में और अनुज कुमार की जितनी प्रशंसा करें वहां मेरी नजर जो है वो केपी रोड किंग्स के डगआउट में है। वहां पे किस तरीके से वो आत्मविश्वास भरी इस गेंदबाजी का मनोबल और हौसला बढ़ा रहे हैं और यहां जहांगीर लोन वापस 104 पे गिरी है 5वीं सफलता 14.4 ओवर के बाद और 32 गेंदों में 56 चाहिए। इस्लामिया क्रिकेट क्लब जिन पे काफी दाव लगाए जा रहे थे वो मुकाबले से बाहर जा रहे हैं। इस्लामिया क्रिकेट क्लब इस मुकाबले से बाहर जा रही है और जायद यहां से जो नए बल्लेबाज का चयन किया गया है मैं जरूर उसका नाम जानना चाहूंगा और अगर मैं बात करूं यहां से तो कहीं ना कहीं मुश्किल काम रहने वाला है नए बल्लेबाज के लिए, मुश्किल रहने वाला है कि आते ही वो बड़े सीटों के लिए जाओ और यहां से और ये मुकाबला जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं यहां पे 60 और 40 मानता हूं। 60 गेंदबाजी वाली टीम और 40 जो है बल्लेबाजी वाली टीम। पीछे मैं आपके साथ ही चाहूंगा 60-40 लेकिन अभी भी वो एक उम्मीद बची है क्योंकि आपके पास दो ऐसे बल्लेबाज क्रीज पे जो इस मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं। आप लंबा ले सकते हैं उमर लेफ्टी उमर वॉटसन की बल्लेबाजी वो यहां से लंबा ले सकते हैं लेकिन उमेश का बल्ला इतना तेज बोलता है अगर गेंद उस मकान की छत पे गिरी ना इनका बल्ला जब बोलता है ना तो अगर इनके बल्ले से शॉट आया उस मकान पे गिरा तो उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो टूट सकता है, इतनी ताकत इस खिलाड़ी के स्ट्रोक में होती है। अब देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से यहां इंप्रोवाइज करते हैं। 104 पे 5 दो गेंदे बचे, 32 पे 56 और यहां उमेश इत्तु सामना करने के लिए तैयार अनुज कुमार का और इस बार भी अच्छी गेंद। टेस्ट लगातार कर रहे हैं बल्लेबाजों को अनुज कुमार और जितनी भी गेंदें हमने देखी अनुज की ऑफ स्टंप से काफी बार रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से, जानते हैं कि ब्लाइंड हिट्स काफी मारते हैं बल्लेबाज, बल्लेबाज को मजबूर करते हैं वो जोखिम लेने के और फिलहाल बल्लेबाज के लिए तो रास्ता कुछ बचा ही नहीं है, आपको जोखिम लेना होगा।
आपको 10 प्रति ओवर चाहिए तो एक बड़े शूटरों के लिए बल्लेबाज को हर ओवर में कोशिश करनी है, लेकिन वैसे में जैक बिल्कुल वो आर्थम के बाहर की गेंद को छेड़खानी करने के लिए गए थे, वो छक्का मारने के लिए गए थे, लेकिन वो जाल में फंसाया अनुज कुमार ने। तारीफ करनी होगी अनुज कुमार की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। और इस ओवर का अगर जिक्र किया तो शुरुआत चौकी के साथ हुई थी और उसके बाद एक बहुत बड़ी विकेट अपने नाम वापसी कराते हुए अपनी टीम को। फिलहाल एक बार फिर आर्थम के काफी ज्यादा बाहर, इस बार ड्राइव जरूर किया था लेकिन गेंद को रोका गया तेज नजारे के अंदर। डॉट गेंद है यहाँ पे, प्रेशर में बिल्कुल प्रेशर डाल रही है यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम पे, और जितनी डॉट गेंद है उतना मुश्किल रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो 55 चाहिए और गेंदे आपके पास 30 बची है, यानी करीबन करीबन वो 10.5 की औसत से अब यहां से आपको रन बनाने हैं, यानी 11 की औसत से आपको रन बनाने होंगे, तो जो मुश्किल काम रहने वाला है नए बल्लेबाज के लिए आते ही वो बड़े स्ट्रोक लेना। लेकिन काबिलियत तो मैच भी रखते हैं, काबिलियत बिल्कुल उमर वारसन भी रखते हैं, वो बड़े शॉट लगाने के मारत है, ये कारण में काफी बार वो कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये क्रिकेट है, ये गिरगट की तरह रंग बदलती है, और कब ये अपने रंग दिखाए और उस बात का अंदाजा आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, उसमें प्रेडिक्शन करना फेल है। जब तक वो अंतिम गेंद अंतिम रन अंतिम विकेट ना आए वो कहना मुश्किल रहता है, लेकिन एज एन एनालिस्ट वो अनुभव के हिसाब से फिलहाल ये अनुभव लगाया जा सकता है कि पलड़ा जो है फील्डिंग वाली टीम का भारी। और यहां से लियाकत बहुबली का भी आना बाकी है, मैं अपने श्रोताओं को बताता चलो बिल्कुल। हालांकि लियाकत मीर से कल मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये बोला कि आप हम कल मैच जीतेंगे और वो जीत का जिम्मेदार मैं हूंगा, मैं अपनी टीम को मैच जिताऊंगा, लेकिन वही स्थिति यहाँ पे आई है। फिलहाल वो डगआउट में इस मुकाबले को करीबी से देख रहे हैं और आप जाके गेंदबाजी में किस गेंदबाज को याद किया गया है, वो बासित अकबर एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार। इस बार वो पैड लाइन पे गेंद, वाइड का इशारा, गेंदबाजी वहां पे करना मना है और वैसे ऐसे परिस्थितियों में वो गेंदबाजी करना वहां पे मना है। फिलहाल आप खैर मनाए कि गेंद ने बल्ले का कोई सिरा नहीं लिया, अंततः गेंद जो है वो 4 के लिए जा सकती थी। फिलहाल वो 3 रनों का इजाफा और इस सिंगल के सारे 105 से बढ़कर 106, एक बार फिर तैयार बात से चले। इस बार विकेट की सीध में गेंद आती हुई और वो हंसी मजाक एक दूसरे के साथ बासित अकबर, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे उमेश सेतु, बल्कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से दोनों खिलाड़ी बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल बखूबी जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरी और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बखूबी जानते हैं, और शायद यही देखते हुए केपी रोड के कप्तान ने गेंद सौंपी है अपने युवा खिलाड़ी बासित अकबर को। अनंतनाग का आने वाला मुस्तकबिल मैं बोलता हूँ उस खिलाड़ी को, क्योंकि जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं और गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आने वाला फ्यूचर मैं बोलता हूँ क्रिकेट का बासित अकबर को। लेकिन एक बार फिर उसके हाथ में गेंद, कारनामा गेंद से करना होगा। जो क्लीन बोल्ड किया यहाँ पे, ओ माय डियर व्हाट इज गोइंग ऑन और जीत की खुशी और वो जो पापा और पापों की आवाजें लगातार गूंजती हुई, और ये आप देख सकते हो वो खेमा वो खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। जाहिद क्या विचार इसके बारे में? मैं इसी की चर्चा करने वाला था कि बैक किस तरीके से केपी रोड किंग्स को अपने समर्थक अपने सपोर्टर कर रहे हैं, उतना सपोर्ट यहाँ की टीम को नहीं है जितना उस टीम को है, और ये टीम नई है और ये टीम नई ओवर के सामने आई है, लेकिन इस टीम ने हर किसी को निराशा कर दिया है। और अब जाके लियाकत मीर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लियाकत मीर 106 रन 6 विकेटों के नुकसान पे, और हमारे साथ कमेंट्री मंच में रिजवान भाई भी हैं, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रिजवान भाई कैसे देखते हैं आप इस समय स्थिति? बहुत खराब है इस्लामिया की। बिल्कुल सही दुरुस्त मानना आपका, इस वक्त स्थिति जो है पूरा सर चढ़ के बोल रही है केपी रोड किंग्स की टीम इस वक्त, और हल्के में लिया था इस्लामिया क्रिकेट क्लब ने केपी रोड किंग्स को, लेकिन फाइनल मुकाबला पहले ही है। आप एक्सपीरियंसड हैं, आपने देखा होगा कि फाइनल मुकाबला प्रेशर वाला मुकाबला, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ले लीजिए, किसी भी टीम का मुकाबला ले लीजिए, ये प्रेशर वाला मुकाबला होता है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती है। लेकिन दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जिस तरह का मुकाबला वो चाहते थे, बिल्कुल मटन के टिकबाग में कुछ उसी दृश्य के साथ वही मुकाबला इस वक्त जारी है। बिल्कुल क्राउड पुलिंग मुकाबला हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्राउड इस समय मैदान में है, और कह सकते हैं कि ये इस साल का सबसे क्राउड पुलिंग मुकाबला अनंतनाग में। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि जितना मजा इस मुकाबले का अनंतनाग के ग्राउंड से स्टेडियम से आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सारी प्रेडिक्शंस फेल हैं।
जितना मजा यहाँ पे इस मुकाबले को फाइनल मुकाबले को खेलने के लिए अभी दिखाई दे रहा है, मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा मजा अनंतनाग के शोर वाले में, पहले इतना शोर तो ज्यादा, लेकिन यहाँ पर खुशगवार मौसम और कल वर्षा भी हुई थी, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि केपी रोड किंग्स की टीम जो एक नई टीम है टिक नहीं पाएगी, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं उनके उनका सपोर्ट जो है और वो बिल्कुल अपने जो प्री प्लानर वो प्लान करके जो आए हैं उस पर वो खड़े उतर रहे हैं और यही वजह है इस वक्त वो अपर हैंड लेकर है। देखिए आप हल्के में किसी टीम को लेंगे तो आपकी स्थिति इसी तरीके से खराब होगी, जो इस समय इस्लामिया सीसी की स्थिति खराब है, हल्के में लिया, इनके पास कुछ नाम यहां खिलाड़ी हैं जिनपे इनकी नजरें थी और मैं सुबह से कमेंट्स पढ़ रहा था इट्स गोइंग टू बी अ वन साइडेड मैच, इट्स गोइंग टू बी अ वन साइडेड मैच, लेकिन यहां पर देखिए अपनी तरफ खींचते हैं केपी रोड किंग्स ने, हैट्स ऑफ टू देम, बिल्कुल बहुत बहुत आपका दुरुस्त मानना है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये मुकाबला जिस तरह लोग कह रहे थे कि इस्लामिया क्रिकेट की तरफ है वन साइडेड है, लेकिन मुझे लग रहा है उसका उल्टा हो चुका है, ये मुकाबला अब ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड तो है लेकिन ये केपी रोड किंग्स की तरफ जा रहा है। सही बात, और ये दर्शाता है कि जब आपके पास टैलेंट हो, जब आपके पास वो युवा टैलेंट हो तो आप किसी भी नाम नहाद वाली टीम को हरा सकते हैं, आप में वो क्षमता है, ये अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है इस्लामिया के लिए। देखिए बल्लेबाजी उमर वॉटसन कर रहे हैं, लियाकत मीर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि ज्यादा वो हम कह सकते हैं कि नाम नहाद बल्लेबाज आपके आज चले नहीं है, जहांगीर लोन, उमेश सेतु, नासिर कुमार या किसी और को उठाए के लीजिए, किसी भी बल्लेबाज ने आज रन नहीं बनाए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आप रन बनाएगा वो हीरो बन पाएगा। सही, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि लियाकत मीर से कल इबू भाई की बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे और जीत की जो सबसे बड़ी वजह होगी वो मैं हूंगा, तो वो सिचुएशन अब आ चुकी है, डू आर डाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल, किसको पता था कि लियाकत मीर ने जो कल इबू को कहा वो हो जाए, बिल्कुल संभावनाएं हैं, हालांकि उसके विपरीत भी हो सकता है, अलग हो सकता है, केपी रोड किंग्स बाजी मार सकती है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, अभी भी मुकाबला ऑन है और रन अभी 28 गेंदों में चाहिए 56 जी हाँ नहीं 54 28 में 54 बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रन चाहिए। सही, आपके पास चार विकेटें हैं लेकिन यहाँ पे विकेट का इस समय कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दबाव जो इस समय है इस्लामिया के ऊपर वो काफी ज्यादा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा दबाव और बहुत क्राउड, जितना ज्यादा क्राउड क्या इस दबाव को वो झेल पाएंगे, अगले 20 या 25 गेंदे डिसाइड करेंगी कि ये मुकाबला किधर जाएगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा ओवर अगर आया तो ये मुकाबला इस्लामिया की तरफ जा सकता है, अगर एक विकेट और गिर गई तो ये मुकाबला उनके हाथ से रेत की तरह फिसल से रहा है तो फिर पूरी तरह से फिसल जाएगा। केपी रोड किंग्स ने जिस तरीके से सेमीफाइनल में अली जाना को हराया था, आखिरी ओवर में 13 रन बनाने थे और पहली दो गेंदों में दानिश मुजफ्फर ने काम तमाम कर दिया, और आज इस्लामिया की बारी है वो करने की, यहां कर पाएंगे क्या लियाकत मीर और साथ में उमर वॉटसन, दोनों में क्षमता है, दोनों एक्सपीरियंसड है, दोनों ने ऐसे काम इससे पहले बहुत बार किए, क्या पता आज भी वो कर जाए, बिल्कुल दुआओं के दुआओं दोनों तरफ से दुआएं जारी हैं, चहेते दोनों टीमों के चहेते जो होंगे वो दुआएं मांग रहे होंगे, लेकिन दुआ के साथ साथ दवा का काम करना है, अब देखेंगे वो लियाकत मीर करेंगे या बासित करेंगे, फिलहाल लेग स्टंप से बहुत बार गेंद और अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर में इस समय दोनों साइड से खिलाड़ी जो है वो फंसे हुए हैं, और इस समय थोड़ा सा पलड़ा मैं कह सकता हूं कि केपी रोड किंग्स का बारी है, क्योंकि उन्होंने अच्छे खासे बल्लेबाजों को वापस भेजा है जो यहां गेम चेंज कर सकते थे, जो गेम चेंजिंग प्रभाव डाल सकते थे, लेकिन बासित अकबर की जितनी प्रशंसा करें, उमेश सेतु को आज दानाशाही कर दिया और बिना खाता खोले ही उनको वापस भेजा, बिल्कुल सही दोस्त आपका कहना, इस बीच अगली गेंद क्या शानदार गेंद थी, मजबूर कर दिया इसे दिफाई अंदाज में खेलने के लिए वापस बॉलर की जानिब, वो जानते हैं प्रेशर है, रन चाहिए, डॉट बॉल्स जितनी होंगी उतना प्रेशर बढ़ेगा और उतना ये मैच निकल जाएगा इस्लामिया क्रिकेट क्लब से, लेकिन प्रशंसा जितनी भी की जाए केपी रोड किंग्स की बहुत कम है, क्या लाजवाब नौजवान खिलाड़ी है, किस तरह से असरार हमारी डिस्ट्रिक्ट से कुलगाम मेरा नजदीकी गांव है वहां वहां से खेलते हैं, 16 साल की उनकी उम्र है, एक ओवर उन्होंने किया खर्चीले साबित हुए, रोक दिया कैप्टन ने, लेकिन जरूर उनसे वो बॉलिंग कराएंगे, लेकिन इस वक्त क्रंच सिचुएशंस में बासित बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और
वो कहते हैं ना कि चने चबाने पे मजबूर कर दिया है उन्होंने इस वक्त इस्लामिया के बल्लेबाजों को। जी हाँ, मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और कहते हैं ना कि वो अब यहाँ से अंगारों पे चलना है। इस स्थिति में वो आगे का सफर बहुत मुश्किल है, वो अंगारों पे चल के जाना है तब जाके आपको फाइनल मिलेगा, फाइनल की ट्रॉफी मिलेगी। वो मैं थोड़ा इजाफा करना चाहूंगा आप दोनों के बीच में, पहले माफी मांगना चाहूंगा, मैं बिल्कुल बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये इश्क नहीं आशा, इतना तो समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पे क्रिकेट के मैदान से आज हमें देखने को मिली है। सही बात है उम्मो, आप तो शायर भी हैं और हालांकि हमने इससे पहले ये कभी सुना नहीं था, हमारे बगल में बैठकर उम्मो शायरी करेंगे, लेकिन आज मौका मिला। 109 पे 6 और 16वें ओवर की अभी भी आखिरी गेंद का आना बाकी, 25 में 51, 12 रन से ज्यादा रन चाहिए और यहाँ अजान हो रही है, हम कॉमेंट्री कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं। आसान मुकम्मल हो चुके हैं और तब जाके उस बीच यहाँ पे एक और विकेट, लियाकत मीर वापस जा चुके हैं और बासित अकबर ने तो एक ही ओवर में मुकम्मल कर दिया अपना अपनी टीम के अरमान और एक ही ओवर में दो बल्लेबाजों को वापस भेजने में कामयाब। उमैर सिद्दू को बोल्ड किया और लियाकत मीर LBW के अनुसार वापस, बासित अकबर द गेम चेंजर। और कल तो इसकी एक और परीक्षा होगी गुंड में, क्योंकि कल RCB वेरीनाग को खेलेंगे गुंड प्रीमियर लीग के फाइनल में और वहां पे एक और परीक्षा होगी इस खिलाड़ी, इस नौजवान खिलाड़ी की। लेकिन मेरा एक इसको एडवाइस रहेगा कि प्लीज डोंट प्ले दिस टाइप ऑफ क्रिकेट, आप में पोटेंशियल है, आप बड़ा करने वाले हैं, मैं आपके लिए जो खाब देख रहा हूं आप IPL खेल सकते हैं। अजान हो रही है,
यहाँ रिज्यूम किया जा रहा है और 109 रन 7 विकेटों के नुकसान पे और धीरे धीरे करके इस्लामिया की टीम इस मुकाबले से बाहर जा रही है। 22 गेंदों में 51 रन, बहुत मुश्किल काम लेकिन नामुमकिन नहीं। उमर वॉटसन और आदिल फिफ्टी की जोड़ी मैदान पे और यहां दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा, दर्शक दीर्घा में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर नमूने देखने को मिल रहे हैं। इस बार ऑस्टम से काफी बाहर लेकिन वाइड नहीं है, अंपायर की तरफ इशारा किया उमर वॉटसन ने लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं ये तो वाइड लाइन से काफी अंदर गई। 109 पे 7 और अभी भी चाहिए 51 रन, 160 रनों का एक छोटा सा टारगेट मिला था लेकिन कौन जाता था ये 160 रनों का टारगेट इतना मुश्किल होगा। बिल्कुल इस वक्त तो मैच निकल चुका है इस्लामिया से, अगर उमर वॉटसन के स्ट्रोक्स लगे रहे, लीजिए उमर वॉटसन भी चलते बने जिसका हम जिक्र कर रहे थे। उमर वॉटसन इस स्ट्रोक को खेलने की कोशिश पिछली 2-3 गेंद से कर रहे थे, इस बार कनेक्ट हुआ लेकिन हुआ भी क्या, विकेट लेके चला गया। तो इस तरह से पूरी तरह से केपी रोड किंग्स अब इस मुकाबले में, और अब खेलने के लिए डॉक्टर जफर आए हैं। उमर वॉटसन बड़ी कोशिश की उन्होंने लेकिन आखिरकार निराश कदमों के साथ वो वापस डगआउट की तरफ। डॉक्टर जफर अब खेलने के लिए आ रहे हैं और जो उनका खेमा है केपी रोड किंग्स का, जितना उन्होंने उत्साह और हौसला अफजाई की है अपनी टीम की, काबिले दाद काबिले तारीफ, और क्यों ना करें वो अपने उस मैनेजमेंट जो उनका था, कोचिंग स्टाफ जो उनका था, उस के उनके फैसले पे खड़े उतरे हैं और नजर आ रहा है दर्शाया उन्होंने इस ग्राउंड में, उन्होंने सोक किया इस क्राउड के जो उसका शोर था उसको उन्होंने सोक किया और यही निशानी होती है एक अच्छी टीम की। बिल्कुल, और केपी रोड किंग्स आज यहाँ पे तारीख रकम करने वाले हैं एंड दे आर ऑल सेट टू मेक हिस्ट्री इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार का वातावरण, अनुज कुमार 2 विकेटे और क्रूशियल 2 विकेटे, सिर्फ 12 रन खर्चे 16 गेंदों में। बासित अकबर का पिछला ओवर सिर्फ 2 विकेटे 2 रन और 2 विकेटे उस ओवर में भी, और आप कैसे देखते हैं इन 2 ओवरों को जिन्होंने पूरा पासा पर अड्डे इस मुकाबले का। नए बल्लेबाज डॉक्टर जफर क्या इलाज कर पाएंगे डॉक्टर, इस बार पैड पे लगी है, विकेट कीपर से रुकी नहीं, थर्ड मैन पर खिलाड़ी, लेग बाइज का 1 रन मिलेगा, 110 अभी भी 50 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रिय श्रोताओं से जो हमें लाइव देख रहे हैं प्लीज आप बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, साथ में लाइव कवरेज को शेयर करते जाए। 110 50 चाहिए और अभी भी यहां 19 गेंदों का खेल बचा है। बिल्कुल जी, आपका कहना दुरुस्त है, इस वक्त रोमांच और हौसला अफजाई देखिए आप केपी रोड किंग्स के जो श्रोता है उनके जो दर्शक है जो उनको चाहने वाले हैं वो कैसी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। इस बीच ये अनुज की ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया, वहां पे गली पे फील्डर मौजूद थे, स्टंप्स पे मारना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर ने कहा रहने दीजिए 1 रन से अभी कुछ नहीं होने वाला। 1 रन लेकर स्ट्राइक पे डॉक्टर जफर आ चुके थे लेकिन ओवर मुकम्मल होता हुआ अनुज कुमार का लाजवाब स्पेल और लाजवाब बॉलिंग, यानी कमर तोड़ दी उन्होंने इस्लामिया क्रिकेट क्लब कि इन इस अपने स्पेल से, खासकर इन्होंने और इनके जो एक नौजवान खिलाड़ी है बासित, क्या शानदार बॉलिंग की इन्होंने, एक ही ओवर में 2 विकेटें चटकाई और जो बची कुछ उम्मीदें रही थी उमर वॉटसन की विकेट से वो इस ओवर में अनुज ने पूरी कर दी। सही बात, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 18 में 49 हमने बहुत बार देखे हैं वो एमसीजी का मैदान, भारत पाकिस्तान 2022 का वो वर्ल्ड कप का मैच विराट कोहली वाला 18 में 48 थे, क्या आज यहाँ पे बन जाए आदिल 50 विराट कोहली आदिल 50 क्या विराट कोहली बन पाएंगे ये आने वाली 18 गेंदें ही बताएंगी हमें कि क्या आदिल कोहली विराट कोहली बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो आदिल 50 से ही आदिल कोहली बन जाएंगे। सही बात फिर नाम चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, हालांकि अजीबो गरीब नाम होते हैं हमारे खिलाड़ियों के, हम फिर हमें भी मजबूरन वही नाम लेने पड़ते क्योंकि लोग अब इनको इसी नाम से जानते हैं, इश्ताक कोहली 50 बासित चले कदमों का सवाल और गेंद से रेखा से बाहर छक्का, बिल्कुल जाहिर ऐसा ही हुआ था, विराट कोहली ने भी छक्का मारा था। सही बात, मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, कुछ प्रतीत लग रहा है मुझे, क्या वो प्रेडिक्शन पूरी होगी, हिस्ट्री रिपीट होती है और रिकॉर्ड्स तोड़े जाते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड टूट सकता है अगर आदिल 50 रह गए, ये मुकाबला काफी क्लोज जा सकता है। छक्का पहली गेंद पे, 43 चाहिए 17 में। यस ऑनली द टाइम विल टेल विल आदिल 50 बिकेम आदिल कोहली After 17 deliveries, we will say yes or no.
बिल्कुल, और आदिल 50 के पास क्षमता है, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि इस खिलाड़ी के लिए तो एक तरीके से नाइंसाफ है, आप ऐसे बल्लेबाज को नवे नंबर पे, कथू किंग्स के कप्तान रहते हैं वहां पे तीसरे चौथे नंबर तक मैक्सिमम जा सकते हैं, जाते रहते हैं और अच्छा बल्लेबाज है और नाम भी इसलिए पड़ा है, 50s पे 50s मारते थे, एक साल में बहुत सारी 50s मारी है तो नाम भी आदिल 50 रखा गया इनका। आज भी तो 50 बनाना है ना, 50 बनानी है और यहाँ पे उनके पास आज मौका है 17 में 43 और ये रन बन सकते हैं T20 क्रिकेट आपको अलाउ करते हैं इतने रन बनाने के लिए। बिल्कुल, एक और बात इनसे लेके जुड़ी हुई है कि अगर आज ये 50 49 चाहिए अगर वो बना लेते हैं तो फिर इन्हें नाम करना चेंज करने भी की जरूरत नहीं है, तो इनके नाम में और मजबूती आ जाएगी। 7 रन बना लिए हैं 43 चाहिए हो गए, 43 और 7 50 पूरे और 50 का नाम 50 रखा जाएगा। बिल्कुल सही, तो क्या ये मुकाबला जो एक्सपेक्टेशन थी कि इस मरहले में दाखिल होगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई थी नासिर कुमार की विकेट के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था यह मुकाबला जो है नेल बाइटिंग फिनिश होगा और ऐसा ही हो रहा है। एक सुंदर स्ट्रोक कवर के ऊपर से खेल दिया, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेले थे और 6 रन हासिल किए थे। गेंद को मंगवाने में समय लग रहा है लेकिन गेंद काफी दूर गई है और यहाँ बॉल बॉयज एक और गेंद लेकर आ चुके हैं, गेंद को यहाँ तब्दील किया जा रहा है। 117 पे 8, 2 विकेटें हाथ में और यहाँ अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इस रन चेज को पूरा करना और डॉक्टर जफर के साथ लिया आदिल 50, आदिल 50 में क्षमता बहुत है, ये यहाँ से इस रन चेज को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, आपका कहना दुरुस्त है। तो एक बार फिर गेंद करेंगे आदिल को, आए गेंद की, इस गेंद को फिर खेल दिया 6 रन के लिए, आदिल 50 हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं, क्या मटन के टिक बाग में वो हिस्ट्री रिपीट होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। 2 गेंदे और 2 छक्के, महत्वपूर्ण स्ट्रोक्स, महत्वपूर्ण रन आदिल 50 के बल्ले से आते हुए, जरूर इस्लामिया क्रिकेट क्लब की टीम चाहेगी कि आदिल 50 के बल्ले से ऐसे स्ट्रोक आए। एक बार फिर यह गेंद और इस गेंद पर भी खेलना चाहते थे और इस गेंद को खेले लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन मुकम्मल किया और डॉक्टर जफर स्ट्राइक पे जायद। 125 हालांकि 124 अभी भी 36 चाहिए और गेंदे आपके पास 15 हैं, 15 गेंदों में 36 आसानी से बन सकते हैं। आदिल 50 का ये अप्रोच आगे उनको ले सकता है, 35 क्षमा कीजिएगा नहीं 36 चाहिए, 36 चाहिए यहां जीतने के लिए और दूर वाले छोर से बासित अकबर चले, ये गेंद महत्वपूर्ण, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, गैप में गेंद को धकेलना चाहते थे, रन आउट का खतरा, बच गए डॉक्टर और स्कोर में इजाफा 125 और अभी भी 35 चाहिए 14 गेंदों से। अच्छी बात यह है कि आदिल 50 फिर स्ट्राइक पे आ चुके हैं। सही बात, आदिल 50 को आप स्ट्राइक पे जितना रखेंगे उतना आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और जितना आदिल 50 क्रीज पे रहेंगे उतना आप मैच में विनिंग नोट के साथ जा सकते हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, एक लो गेंद, यहां हिट किया है स्टंप्स को लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद इस वक्त पे बहुत महत्वपूर्ण है। चतुराई वाली गेंदबाजी, स्लोअर बैक अब द हैंड, स्लोअर गेंद डाली थी और पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब हुए आदिल 50 को। 13-35 इक्वेशन क्लोज, लाइव शेयर कीजिए और वन के हमारे साथ जुड़े हैं जेके क्रिक जोन पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, लकी हम एक्सपेक्ट है उससे ज्यादा कर रहे हैं और फिलहाल 125 6 विकेटों के नुकसान पे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये रन चेज पूरा हो सकता है। 13 में 35 चाहिए, अगर इस गेंद पे छक्का है 12 में 29 बन सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ देखा है ये कारनामे बहुत बार हुए। एक बार फिर बसता है गेंद की, आदिल को खेल दिया है कारपेट के सारे, उस ओर फील्डर है, एक ही रन बनाने का मौका, एक ही रन मिलेगा और 1 रन से संतुष्ट तो हम नहीं कह सकते लेकिन संतुष्ट होना पड़ेगा, ओवर मुकम्मल होता हुआ 12 में 34 12 गेंदे 34 बहुत मुश्किल है। अब यहां से 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से 12 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता रहेगी यहां मुकाबले को जीतने के लिए और क्या यहां पे इस रन चेज को पूरा कर पाएंगे 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से और कहीं ना कहीं यार गलतियां कर ली है वो उच्च क्रम के बल्लेबाजों ने, गलतियां कर दिया। एमओ हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं और वो उच्च क्रम के बल्लेबाज नासिर कुमार, माजिद नदीम, उबैद कुरैशी, उसके साथ साथ अगर देखा जाए उमर वॉटसन, आदिल वानी, उन्होंने आज निराश किया है इस्लामिया सीसी को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो घटा है इस मुकाबले में उसको भूल जाइए और जो घटने वाला है उस पर फोकस कीजिएगा। 19वां ओवर पारी का ये सबसे महत्वपूर्ण ओवर माना जाता है और शायद इसी के लिए वो चर्चा आपको नजर आ रही है, सारा खेमा जो है एक साथ जुट होके वो फैसला कर रहे हैं जहां पे बासित बशीर अपने विचार दे रहे हैं और उसके साथ साथ बासित अकबर, बिल्कुल बासित बशीर उमूमन मेरे वो
जुबान पे रहते हैं क्योंकि प्यार उस व्यक्ति से काफी ज्यादा है। कैमरामैन के वो फराइज अंजाम देते हैं और उसके साथ साथ मैं जिक्र ये करना चाहूंगा जो अभी आप अनुज कुमार को देख रहे हो, विनोद को देख रहे हो और उसके साथ साथ अन्य सीनियर खिलाड़ी बिल्कुल वो हड़ल बनाते हुए आपको नजर आएगी। 19वां ओवर पारी का ये सबसे महत्वपूर्ण ओवर और कहीं ना कहीं यू कहा जाए तो ये डिसाइडर होगा इस मैच का कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। फिलहाल 12 गेंदे, रन कितने दरकार है जायद मुझे जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। 34 रन यानी 17 के आसपास से आपको रन बनाने होंगे। आदिल 50 के साथ साथ जो दूसरे बल्लेबाज है डॉक्टर जफर, और क्या डॉक्टर जफर यहाँ पे गेंदबाजी तो लाजवाब की है आपने, अब बल्लेबाजी की दरकार है आपको टीम को। क्या यहाँ पे वो हीरो बनने का मौका जो आपको मिला है, क्या वो हीरो बन पाएंगे आज आदिल 50 के साथ साथ डॉक्टर जफर, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल सबसे सफल गेंदबाज अनुज कुमार के साथ गए हैं जिन्होंने अब तक 3 ओवर किए हैं, 13 केवल खर्च किया है और यहां से तो 17 चाहिए ओवर में। क्या यहां पे पहली गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक आएगा? फिलहाल तैयार, मारने की कोशिश की थी जो मिसाइल है वो डंडा बार आदिल 50 भी वहां पर दगावट की ओर, यानी यूं कहा जाए तो जो उम्मीद की आखिरी किरण थी वो भी अब धीरे धीरे पवन की ओर रोमीदार होती हुई और वो बिल्कुल देखा जाए तो सर को नीचे झुकाते हुए वो हैरान परेशान चेहरा साफ नजर आ रहा है इस चेहरे पे तनाव, और तनाव इस बात का है ये फाइनल का मुकाबला है और आप हार की कगार भी आपकी टीम पहुंची है। और यहां से अनुज क्या बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी भी तारीफें की जाए आज अनुज कुमार की उतनी कम रहने वाली है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से प्रमुख दावेदार आज के मैन ऑफ द मैच के न केवल बल्लेबाजी में आज योगदान दिया और जब दरकार थी टीम को उस समय भी गेंदबाजी करने के लिए आई थी जब टीम बिल्कुल जूझ रही थी और तब जाके विकेट्स निकाले, एक नहीं दो नहीं, यानी एक से मन नहीं भरा, दूसरा हासिल किया, दो से मन नहीं भरा और अब जाके आदिल 50 की यानी 3 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं, वो चौथवा ले सकते हैं। अंतिम उम्मीद की किरण है, यानी यूं कहा जाए तो अंतिम जोड़ी बीच मैदान में है। बाबा बाबा उवैस बाबा सुपरस्टार तो गेंदबाजी के लिए उसको लकब मिला है, बल्लेबाजी में आज ये हीरो बनने का मौका, बाबा के पास एक सुनहरा अवसर है कि इस मुकाबले को जीत कर आज हीरो बने। लेकिन अनुज अरे तो आप हीरो बन चुके हो, यहां से क्या अनुज एक और विकेट अपने नाम करेंगे, ये आने वाली चंद गेंद तय करेगी। फिलहाल ठीक हमारे कमेंट्रियन से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उन्होंने चले अंपायर को क्रॉस किया, बल्ला चलाया, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, बासित अकबर के लिए चेज, वो नजर हटी और दुर्घटना वाली वो घटना घटने वाली थी लेकिन भाग्यशाली की गेंद छिटकने के बाद वही लुढ़क गई और अब जाके दोबारा से गेंद को उठाया गया, तब तक वो दूसरे के लिए पलटे और दूसरा मुकम्मल होता हुआ। यानी 32 चाहिए आपको मुकाबला अपने नाम करने के लिए और आपके पास केवल 10 गेंदे बची है, 10 गेंदे 32 रन और यूं कहा जाए तो मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पे बल्लेबाजी टीम के लिए। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल और क्या लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल वो दिमाग का प्रयोग करते हुए 19वां ओवर क्यों अपने महत्वपूर्ण गेंदबाज को दिया जाता है, क्योंकि यहां पे वो पेस से, वो गति से, वो वेरिएशन से ज्यादा दिमाग का प्रयोग किया जाता है और उसमें सफलता पाई है आज अनुज ने। लगातार वो 5 ओवर 6वें स्टंप में गेंदबाजी की है और तब जाके वो कामयाब गेंदबाज आज के इस मैच के हीरो बिल्कुल अनुज कुमार, उसको आज मैच का हीरो घोषित किया जाएगा। मारना तो कई चाहते थे और गेंद बल्ले के ऊपरी भाग से लगती हुई थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। खैर रन महत्वपूर्ण है, रन की दरकार है, भले ही वो आपके बल्ले से आए, भले ही वो आपके हेलमेट के टकराने से क्यों ना आए, रन महत्वपूर्ण है और ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चौके से शायद मन नहीं भर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस्लामिया क्रिकेट क्लब के फैंस की बात करूं बखूबी वो भी जानते हैं, शायद उम्मीद उन्होंने भी छोड़ी है कि ये मुकाबला तो गयो हाथ से। क्यों भाई 9 गेंदे 28 अब नामुमकिन बात है क्योंकि आखिरी विकेट और 2 टेल एंडर्स अब यहाँ क्रीज पे, 9 गेंदे 28 रन और यहां से बहुत मुश्किल है अब ये मैच जीतना क्योंकि वो उच्च क्रम के बल्लेबाजों ने तो आपकी मैच की वाट ही लगा दी और मेरे ख्याल से टाटा बाय बाय हो गई है इस्लामिया सीसी की। अगली गेंद बैक ऑफ द हैंड से डाली हुई गेंद पूरी तरीके से चकमा खा बैठे वहां स्पीड स्टार उवैस बाबा सुपर एक्सप्रेस, गेंदबाजी में अपना पूरा योगदान झोंका आज मुकाबले में, लेकिन आप बल्लेबाजी किस प्रकार की करेंगे यहां से, 7 में 28 हर गेंद पे चौका चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए और मुकाबला अभी भी काफी क्लोज जाता हुआ है।
वन में ट्रैफिक कहाँ जाएगा बिल्कुल अब यहाँ से, क्योंकि मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो हर गेंद पे आपको छोका लगाना होगा। फिलहाल ये गेंद अनुज की इस बार ऊपर गई है, शिवी लेफ्टी गेंद के नीचे, और लीजिए ये कैच नहीं, ये मैच जीता है, ये फाइनल अपने नाम किया है, और फाइनल जीत के ये ताज भी आज अपने नाम किया है। मुबारकबाद केपी रोड किंग्स की टीम को देना चाहिए यहाँ पे, और उस टीम को, उस टीम को जिसके बारे में पहले कहा गया था जब ये लीग स्टार्ट हुई थी तो कहा गया था कि ये टीम तो लीग स्टेज पार नहीं करेगी, लेकिन इस समय आप देखे विजुअल्स, देखे किस प्रकार से इन्होंने मैच अपने नाम किया है। और ये जो दृश्य आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल ये जश्न, और उस ओर ये जश्न लिया जा रहा है जहां पे अगर देखा जाए तो वो जो खेमा है बिल्कुल इस्लामिया क्रिकेट क्लब का जो खेमा है उसी ओर बिल्कुल वो जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न, जीत का माहौल ठीक देखा जाए तो मनाती हुई यहाँ पे टीम नजर आ रही है। केपी रोड किंग्स एपीएल अनंतनाग प्रीमियर लीग एक्शन फर्स्ट ये मुकाबला जीतने में काम है। फिलहाल यहां से इजाजत लेना चाहेंगे और खुदा हाफिज बोलना चाहेंगे तमाम दोस्तों का। कॉल करिए, ओ ये कुमार बात कर।